हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स मेरा नाम आशीष कपलेश और जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग यहां पे शुरू कर चुके हैं एच वर्मा के सॉल्यूशंस को राइट सो दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस uh, के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चार्जेस के बारे में समझना जूनियर क्लासेस में हम चार्जेस के बारे में जानते हैं कि भाई चार्जेस कैसे होते हैं एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल स्टडी आज हम करेंगे ओके okay? बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है उसकी हिस्ट्री क्या है इन सब चीजों को आज हम कवर करते हैं और जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वन शॉट रिवीजन करेंगे फॉर एवरी चैप्टर जो भी चैप्टर आएगा उसका पहले वन शॉट रिवीजन उसके बाद हम एच सी वर्मा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे राइट right? तो ये हमारा वही वन शॉट रिवीजन है और शुरू करते हैं फटाफट से तो so, सबसे पहली बात जो हम जानते हैं चार्जेस के बारे में कि चार्जेस क्या है uh,

चार्ज की और बेसिक सी बात करें तो क्या होता है द द एक्सेस और ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों आता है क्योंकि या तो उस बॉडी के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं या फिर उस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज आता है तो हम क्या बोलते हैं या तो उस बॉडी के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या फिर उस बॉडी के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली जो चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है वो आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से किसकी वजह से आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो किसी भी चार्ज के लिए टाइम से रिलेटेड होता है चार्ज का विच इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला बनता है क्यूक्वल करंट होता है I इलेक्ट्रिकल करंट जिसके बारे में हम अपने अगले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे और टी इज आउट बी एमपी और टाइम का डायमेंशन इट कम्स आउट बी कैपिटल T तो ये हमारा क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया फॉर द चार्ज ये क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया चार्ज का क्लियर है चार्ज क्या है इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर और एनी बॉडी जिसकी वजह से वो बॉडी या तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है या फिर एक्सपीरियंस कर सकती है बट नॉट ओनली द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट को भी वो प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो जो चीजें हैं वो सारी हम अपने अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं सो डोंट गेट वरीड अबाउट दिस पार्ट चार्ज के तुम्हें पता है दो टाइप की पोलैरिटी होती है पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेम पोलैरिटी वाले चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं वाइल अनलाइक uh, जो होते हैं कि अपोजिट पोलैरिटी वाले जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे okay? so तो 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 जो हमारे लिए होगा ओके सो द नेक्स्ट थिंग विच हैव इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज की अगर बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और हाँ इनको ऐड करने के लिए सिंपल एलजेब्रा यूज कर सकते हो मतलब कि अगर सपोज करो आपके पास में फाइव कोलम का चार्ज है सपोज करो आपके पास फाइव कोलम का चार्ज है और एक सेवन कोलम का चार्ज है और मैं तुमसे पूछूं कि भाई अब बताओ टोटल कितना चार्ज हुआ तो जस्ट डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दो एंड योर आंसर कम्स आउट बी ट्वेल्व कोलम ठीक so है सो चार्ज स्केलर है दैट आप इनको डायरेक्टली एड कर सकते हो और हाँ इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है नो डायरेक्शन सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज होता है चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर अब वो कैसे ट्रांसफर करते हैं उनके बारे में जस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं सो जस्ट वेट अल चार्ज इज ट्रांसफरेबल इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद एन बॉडी चार्ज कैन बी ट्रांसफर टू अनदर बॉडी अभी सिंपल सा मेथड जो हमें पता है चार्जिंग का वो ये है किसी भी चार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड बॉडी है और ये हमारा अनचार्ज बॉडी जिसको कि हम न्यूट्रल भी कहते हैं ठीक है तो ये क्या है हमारा अनचार्ज बॉडी है अनचार्ज्ड कह लीजिए या फिर आप न्यूट्रल कह लीजिए यह हमारा अनचार्ज बॉडी हो गया और ये चार्ज हो गया अभी आप इन दोनों का आपस में टच कर दो तो सारा का सारा चार्ज का फ्लो हो जाता है ठीक है तो जैसे इनको टच किया तो यहां पे चार्जेस का फ्लो होगा इस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी के अंदर ठीक है तो एक तरीका है हमारे पास चार्जिंग के अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग मैथड के थ्रू हम चार्जिंग कर सकते हैं ओके सो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है चार्ज ट्रांसफरेबल so, है अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ज के लिए और बात करें सो इट कैन वी कैन से दैट जस्ट विट इट्स अ सिंपल थिंग चार्ज की और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहां पे, सो वी कैन सिंपली से दैट चार्ज इज इज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि चार्ज क्वांटाइज होता है इज द द मीनिंग ऑफ ऑफ दिस क्वांटाइजेशन चार्ज अगर हम बात करें तो चार्ज क्यों आ रहा है मैं एक चीज पूछता हूं कि चार्ज क्यों आ रहा है सो वी ऑल नो कि चार्ज क्यों आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की या तो डेफिशिएंसी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे है ना अगर किसी बॉडी के पर सपोज करो मैं एक आर्बिट्री बॉडी बना लेता तो हूं यहां यहा ठीक है सो लेट से दिस इज अवर आर्बिटरी बॉडी एनि कोई भी रैंडम शेप की बॉडी है इसके ऊपर मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अभी क्या है इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है अब अगर इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सपोज करो मैंने इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने बोला कि भैया अब मुझे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट वेट मैंने बोला मुझे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें से मैंने क्या किया मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया

तुम सिंपली कहोगे कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास क्या है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और अगर मैं कहूं कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो क्या मतलब वो उसका अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है दैट मींस इसके पास एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है सो so, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से सबसे छोटा चार्ज हमारे पास कितना है वन इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा चार्ज कितना है हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन का बेटा अब क्या होगा सबसे छोटा चार्ज अगर वन इलेक्ट्रॉन का है तो यार एक बात बताओ अभी तक की स्टडी में ऑल हम ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा हम ब्रेक कर सकते हैं उसके अंदर जा चुके हैं बट हमारे सिलेबस में कहा जाता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है अभी हमारे पास में वो इलेक्ट्रॉन है

ठीक है ये बॉडी है मेरे पास में अब मुझे इसको चार्ज करना है कितना चार्ज दे सकते हो इसको मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना इसको मुझे चार्ज करना है तो क्या करूं या तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लो इसमें से मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए लो भाई ये दे दिया इलेक्ट्रॉन ये दे दिया इलेक्ट्रॉन एक दिक्कत है जो? एक दिक्कत है अब हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों दे रो ऐसा भी तो कर रो आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसा कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हालांकि अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को भी और डिवाइड कर चुके हम लोग ठीक है बट इन सिलेबस इट इज सेड इलेक्ट्रॉन से आगे फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते और ज्यादा तो सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा यूनिट हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन तो यानी कि किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना पड़ेगा तो आप कम से कम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो उसको आधा इलेक्ट्रॉन हम नहीं तोड़ सकते इलेक्ट्रॉन को आगे हम इलेक्ट्रॉन को आगे तोड़ नहीं सकते सो एक इलेक्ट्रॉन दे दो क्या हम दो इलेक्ट्रॉन दे दे सकते बिल्कुल दे सकते हो क्या मैं थ्री इलेक्ट्रॉन दे दू इसको बिल्कुल दे दो भाई हंड्रेड इलेक्ट्रॉन दे क्या बिल्कुल दे दो हंड्रेड इलेक्ट्रॉन कितने भी इलेक्ट्रॉन दो बट मेक श्योर कि जो भी नंबर आप दोगे बेटा वो इंटीजर होना चाहिए कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दो बट मेक दिस थिंग वेरी मच क्लियर कि जो भी आप नंबर दे रहे हो वो इंटीजर होना चाहिए फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं चलेगा ठीक है फ्रैक्शन जैसे कि यहां पे मैंने बोला था जैसे कि बेटा मैंने यहां पे बोला वन बाय टू वन बाई टू इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल अच्छा इसके अलावा ठीक है वन बाय टू नॉट पॉसिबल जीरो पॉइंट थ्री थ्री जस्ट वेट अ सेकेंड जीरो थ्री इलेक्ट्रॉन क्या हम दे सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन क्या हम दे सकते हैं नॉट पॉसिबल फॉर हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच वी हैव और अगर ये छोटा सा यूनिट है तो किसी छोटी सी चीज को और कैसे तोड़ोगे तुम लोग नहीं तोड़ सकते ना इसलिए नहीं तोड़ सकते इसको तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इंटीजर होना चाहिए एंड दिस इज द थिंग जो कि क्वांटाइजेशन कहता है बेटा सो चार्ज इज क्वांटाइज इट मींस जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप चार्ज दोगे वो कैसा होना चाहिए इंटीजर को मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन के साथ में तो उतना चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आप दे सकते हो कोई भी इंटीजर कोई भी चलेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हंड्रेड वन थाउजेंड वन लैख टेन लैख वन करोड़ जितनी भी काउंट आता है वो सब कर सकते हो बट एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो एन है वो इंटीजर होना चाहिए एन क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए ठीक है तो अगर कोई तुमसे बोले चार्ज क्वांटाइज है? बिल्कुल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो जो इलेक्ट्रॉन हम उसको ट्रांसफर करेंगे वो इंटीजर होना चाहिए इंटीजर के मल्टीपल में होना चाहिए है ना इंटीजर का मल्टीपल थ्री वन टू हंड्रेड वन थाउजेंड चलेगा वन बाय टू नहीं चलेगा थ्री बाय फोर नहीं चलेगा जीरो पॉइंट थ्री थ्री ये भी नहीं चलेगा तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए चार्ज इज क्वांटाइज कैसे लिखोगे चार्ज को किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा उसको कैसे लिखोगे टू एन e क्या है चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन e क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है अगर कोई तुमसे पूछे भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है तो उसको सीधा बोल देना 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेट की पावर माइनस नाइनटीन कुलम दिस इज द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ठीक है अब कोई बोले दो इलेक्ट्रॉन है कोई बोले दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो चार्ज कितना हो जाएगा टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलम कोई तुमसे बोले हंड्रेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो चार्ज बताओ कितना तो चलो तो आ गया एक और प्रॉपर्टी बताते हैं तुम्हें चार्ज की अगली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अगली प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो चार्ज होता है

एक और इलेक्ट्रॉन दे दू दे दो और चार्ज हो गया हाँ और ज्यादा चार्ज हो गया एक और इलेक्ट्रॉन दे दू दे दो तो क्या और ज्यादा चार्ज हुआ बिल्कुल और ज्यादा चार्ज हो गया एक और इलेक्ट्रॉन तो दे देते हैं ये लो भाई इतना सारा चार्ज इतना सारा चार्ज, हाँ, इतना सारा सारा चार्ज चार्ज आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए वन टू थ्री फोर फाइव तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ क्यू इज इको टू एनी ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू एनी कितने इलेक्ट्रॉन दिए वन टू थ्री फोर फाइव तो यहां फाइव ई इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया कि बॉडी के ऊपर फाइव ई चार्ज हो गया ठीक है अच्छा मास से कैसे समझे रहे? मास का कुछ समझ नहीं आया है ना अच्छा एक बात बताओ इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है हाँ इलेक्ट्रॉन का मास होता है पर बहुत कम होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर कोई तुमसे पूछे तो उसको बोलना इट इज इक्वल्स टू नथिंग बट नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी अगर कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको तो बोलना बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का मास होता है और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10 की पावर 31 के जी। आपने तो फाइव इलेक्ट्रॉन दिए थे 5 का मास कितना हो जाएगा थर्टी वन के जी सही है फाइव इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया फाइव इंटू नाइन पॉइंट वन सबको एड कर लो नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन प्लस

अगर आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो तो उस बॉडी का मास भी इंक्रीज होगा अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज दे रहे हो दैट मींस आप उस बॉडी को साथ ही साथ मास भी प्रोवाइड करा रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन दिया 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन माइनस थर्टी के जी एड कर दिया दो इलेक्ट्रॉन दिए तो टू इंटू नाइन पॉइंट वन इंटू माइनस थर्टी वन के जी को एड कर दिया तीन तीन इलेक्ट्रॉन दे दो तो तीन को कैसे करोगे थ्री करके है 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 ना ऐसा सिंपल सिंपल सा प्रोसेस चलता क्वेश्चन so, वर्मा में देख लेना तुम लोग मैं कराऊंगा जस्ट डोंट वरी मास चार्ज मास के बिना नहीं जी सकता चार्ज मास के बिना नहीं जी सकता लेकिन मास चार्ज के बिना जी सकता है अब यार इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं कि सपोज करो मिनट सपोज करो ये फिर से वही बॉडी हमारे पास में ठीक है ये फिर से हमारे पास वही पुरानी बॉडी जिसका मास कैपिटल था अब मैं इसको चार्ज नहीं दे रहा हूं, मैं इसको मास दे रहा हूं ठीक है बोला ना भाई मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज उसको समझाता हूं सपोज करो मैंने इसको छोटा सा एक टुकड़ा मास का एड कर दिया इसमें अच्छा एक बात बताओ जब ये मास एड करूंगा तो जरूरी है क्या इसका चार्ज चेंज हो पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी अगर मैंने इसमें मास ऐड कर दिया तो क्या ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है क्या ये कैपिटल एम वाली बॉडी न्यूट्रल थी इसमें अगर मैंने स्मॉल एम ऐड कर दिया तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगी नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं होगी सो so ये नेगेटिव हो जाएगी अरे नेगेटिव होगी क्या नहीं ना नहीं नॉट पॉसिबल कैसे सर कैसे हो सकता है मास ट्रांसफर करने से चार्ज में कैसे इफेक्ट आ सकता है यही बात कह रहा हूं मैं तुम्हें जब तुमने चार्ज ट्रांसफर करा तो मास उसका चेंज हो गया लेकिन जब तुम मास चेंज कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका चार्ज चेंज हो पहले वो न्यूट्रल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बाद में पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा हो सकता है वो न्यूट्रल हो हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए पर हमेशा होगा जरूरी नहीं है तो यहां पर यही चीज लिखिए मास कैन मास कैन एग्जिस्ट मतलब मास रह सकता है है ना मास रह सकता है बिना चार्ज के लेकिन चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन अगला क्या बोलता है चार्ज, कंजर्वेशन? कि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट हां एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं so, चार्ज, है, चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट हां एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ा सा वेट करो अगला पॉइंट आता है चार्ज इज इन मतलब क्या है कि चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी के ऊपर वो उसको कोई मतलब नहीं है कि बॉडी कितनी स्पीड से चल रही है ठीक है मास को कुछ फर्क पड़ता है उसका एक रिलेशन होता है ठीक है तो वो रिलेशन अभी नहीं कवर कर करेंगे अपकमिंग पार्ट में उसको डेफिनेटली हम कवर करेंगे क्या बोला है चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस वट एवर बीट स्पीड यानी कोई कोई बॉडी है मेरे पास आर्बिट्री बॉडी आर्बिट्री मतलब इमेजिनरी हमने मान लिया इसके पर चार्ज सपोज करो आ, 5e का है सपोज करो इसके ऊपर चार्ज है 5e का ठीक है ठीक है सर 5e का चार्ज अब अगर मैं इसको मूव कराऊं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं इसको मूव कराऊं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या इसके चार्ज पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं चार्ज को स्पीड से कोई मतलब नहीं है 50 क्या तुम तो 1000 से चलाओ इसको इसको 1000 मीटर पर सेकंड से भी चला लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज पे यही बात कह रहा है चार्ज इज इनवेरिएंट यानी कि जो चार्ज है उसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है चार्ज को सिर्फ इससे मतलब है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो चार्ज को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है वो है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो स्पीड से कोई लेना देना नहीं है ठीक है चले आगे बढ़े ओके चलो सारी चीजें हटा दें और आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट जस्ट वेट अ यस इसके बाद में ये तो प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास चार्ज की इसके बाद में आता है मैथड ऑफ चार्जिंग जैसा कि मैंने कहा था किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है वो मैं तुम्हें जरूर कवर कराऊंगा तो उसमें सबसे पहला मैथड आता है बाय फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो बाय फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन कैसे बाय रबिंग देखो अगर तुम लोगों ने अक्सर की जब हम बर्थडे पे जाते हैं तो बलून को ऐसे अपने सर पे रगड़ के दीवार पे चिपका देते हैं या फिर ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा स्केल को अपने बालों में रगड़ के पेपर के टुकड़े उठा सकते थे किया है ना हाँ ये क्या हुआ एक्चुअली एक्चुअली जब तुम ऐसा करते हो तो वहां पे वो बलून या फिर वो स्केल जो था जिसको तुमने रब कर रहा था अपने बालों में रगड़ा था वो चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हो फ्रिक्शन आता है वहां पे तो वैसे ही वहां पे भी हुआ बलून को अपने बालों में रगड़ा या फिर स्केल को अपने बालों में रगड़ोगे तो फ्रिक्शन आएगा और जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाएंगे ठीक है सो क्या बोले अगर किसी भी बॉडी को रब करते हो विद एनदर बॉडी तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है बेटा वो ट्रांसफर हो जाता है एक्चुअली ये वो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं ये बात तुमने जरूर पढ़ी होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और एक इनर मोस्ट शेल में होते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बाउंडेड है लेकिन आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं इजिली टूट जाते हैं तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेचारे लूजली बाउंडेड है अब तुमने दो बॉडीज को आपस में रगड़ दिया तो वो जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हुआ ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ठीक है अब सपोज करो दो बॉडीज ले ले तो मैं यहां पे आ, एक बॉडी मैंने ले ली सपोज सर ये वाली ए और एक बॉडी मैंने ले ली ये बी अभी मैंने दोनों का आपस में रब किया दोनों का आपस में रब करते हैं तो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ अब दोनों बॉडीज को आपस में रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा हो सकता है ए से इलेक्ट्रॉन चला गया बी के अंदर पहले दोनों न्यूट्रल थे न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट समझ जाओ बेटा न्यूट्रल का मतलब क्या है जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा मान लो किसी बॉडी के ऊपर अगर 5 पॉजिटिव चार्ज है और अगर उसके पास 5 नेगेटिव चार्ज है तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी लेकिन अगर सपोज करो उसके पास में 4 पॉजिटिव चार्ज और 5 5 4 और पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उस केस में क्या हुआ उस केस में ये बॉडी न्यूट्रल नहीं है ये बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज कम है तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी ये क्या कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी क्लियर है बेटा ये बात आगे ओके सो दिस विल बी न्यूट्रल बॉडी तो दोनों बॉडीज पहले न्यूट्रल थी मैंने आपस में रब करा रब करने के बाद में ए से इलेक्ट्रॉन चले गए बी के अंदर रब करने के बाद में ए से इलेक्ट्रॉन चले गए बी के अंदर अब जैसे ही ए से बी के अंदर इलेक्ट्रॉन गए ए के पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बी के पास हो गए ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इस यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे इसके पास में क्या एक के पास होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दूसरे के पास होगी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस उस में ए जो होगा वो कैसा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और बी कैसा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज तो देखा अगर दो बॉडीज थी उनको आपस में रब किया रब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज एक हो गया नेगेटिवली चार्ज तो यही बात है बेटा सबसे पहला जो हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग वो है फ्रिक्शन का जिसमें हमने बोला कि अगर दो बॉडीज को रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर और एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है क्लियर है हां कुछ एक एग्जाम्पल्स में तुम्हें बता देता हूं कि अगर आप एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉ के साथ में सिल्क का कोई कपड़ा है और उसको ग्लास के रॉड से रब करोगे तो ग्लास रॉड के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के कपड़े ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज यानी कि जो ग्लास रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और सिल्क के क्लॉथ के अंदर वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है वुलन क्लॉथ प्लास्टिक एम्बर और रबर यह एम्बर एक मटीरियल होता है तो कभी अपने वुलन क्लॉथ को प्लास्टिक से या फिर एम्बर से या फिर रबर से रब करो रगड़ो इनको आपस में तो वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और प्लास्टिक एम्बर या फिर रबर के अंदर चला जाएगा जिससे कि वुलन क्लॉथ हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये सब हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज ड्राई हेयर ये वाला तो किया होगा ड्राई हेयर अपने बालों में कॉम को रब करते थे फिर तुम पेपर उठाते थे स्कूल में जरूर किया होगा ये बात सो so, ड्राई हेयर और कॉम जब आपस में रब करते हो तो तुम्हारे ड्राई हेयर में से इलेक्ट्रॉन चला जाता है कॉम के पास में और तुम्हारे हेयर हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज

एग्जाम्पल्स क्या किया ये ग्लास का रॉड सिल्क के साथ में रब किया ग्लास रॉड अनचार्ज क्लॉथ था प्लास्टिक की रॉड है जब आप दोनों को आपस में रब करते हो तो क्लॉथ के ऊपर जा जा और जो रॉड है हमारी प्लास्टिक की जो रॉड थी उसके ऊपर तो ये बात समझ जाओ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज आया उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज सिंपल सा फंड है क्लियर है ओके एक और एग्जाम्पल देख लें यस बलून वाला बर्थडे पे जरूर की हो गई है ना दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाते थे बलून को अपने सर पे रगड़ते थे दीवार पे चिपका देते थे ये वही है बलून को जब अपने आप हेयर uh, के साथ में रब करते हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास में यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज तो ये है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग पहला मेथड हो गया फ्रिक्शन का इसके बाद में सेकंड मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में भी देखोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा और डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेगा कुछ ना कुछ ठीक है

तो यहां पे देख सकते हो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओके तो एक चार्ज रॉड को जब पास में लेके आए तो चार्जेस का हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन तो जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं तो वो पॉजिटिव के पास आ गए पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से रिपेल होने की टेंडेंसी रखते हैं तो वो रिपेल हो गए तो इससे क्या हुआ चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी जैसे दूसरी साइड तो जो होती है पॉजिटिवली चार्ज हो, हो जाती है इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोसेटिक इंडक्शन कहते हैं दिख रहे है? एक साइड पूरा एक तो इंडक्शन क्या है इंडक्शन इज द फिनोमिनाब्यूशन ऑफ ऑफ चार्जेस चार्जेस का जो है उस को हम लोग क्या कहते हैं इंडक्शन कहते हैं ठीक है है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बट अभी भी एक बात समझ नहीं आई कि एक न्यूट्रल को चार्ज कैसे किया हम लोगों ने अभी रुको पूरा प्रोसेस नहीं है आ रहे अभी आगे अब क्या होगा जब आप इसको एक चार्ज रॉड को पास में लेके आ जाओगे एक न्यूट्रल न्यूट्रल्स के तो ये रहा हमारा वो न्यूट्रल स्फेयर ये रहा हमारा न्यूट्रल स्पेयर एक चार्ज रॉड है ना ये चार्ज रॉड है इसको हम लेके आए पास में एक न्यूट्रल स्पेयर के अब क्या हुआ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ इंडक्शन हो गया अब एक काम और करेंगे यहां पे स्पेयर का एक साइड ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे इसको कहते हैं अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग सुना होगा इसके बारे में अर्थिंग करवाते हैं ना हाँ अर्थिंग बोलो या फिर ग्राउंडिंग बोलो एक ही बात है इससे क्या होगा जितने भी नेगेटिव वाला चार्ज थे वो चले गए ग्राउंड के अंदर अरे यार ये सही हुआ है ना अब जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो चले गए ग्राउंड के अंदर बचे कौन पॉजिटिव चार्ज अब रॉड को हटा दो रॉड को हटाओगे तो जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे स्पेयर के अंदर क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो एक न्यूट्रल स्पेयर अब क्या बन चुका है पॉजिटिवली चार्ज्ड एक न्यूट्रल स्फेयर अब क्या बन चुका है एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर बन चुका है सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक न्यूट्रल स्पेयर रॉड को पास में लिखे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लिख ले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ठीक है और फिर क्या करोगे एक साइड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे जिससे कि एक पर्टिकुलर साइड का चार्ज जो है पूरा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा और अब उस ग्राउंडिंग को हटा दो रॉड को हटा दो तो जो बचा हुआ चार्ज था पूरे स्पेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये जो न्यूट्रल स्वेयर था वो कैसा हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्लियर है सभी को तो so, अगला टॉपिक है कंडक्शन कंडक्शन में क्या होता है छूने की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं उनको टच करो तो उसमें क्या होगा चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा बट हां ध्यान रखना कंडक्टिंग बॉडीज ही चाहिए नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को टच करोगे तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्लियर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज इज नोन एज द कंडक्शन अगर दो बॉडीज को टच करोगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा बट उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्या है दोनों बॉडीज जो है वो कंडक्टिंग होनी चाहिए अगर वो बॉडीज कंडक्टिंग नहीं है तो फिर वो चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो जैसा कि मैंने कहा कंडक्टिंग बॉडीज तो एक तरफ अगर आप एक कॉपर का रॉड ले सकते हैं जस्ट वेट यस एक तरफ आपने कॉपर का रॉड ले लिया सपोज करो ये एक तरफ आपने कोई आयरन uh, रॉड ले लिया ठीक है एक तरफ का कॉपर का रॉड एक तरफ का आयरन का रॉड दोनों कंडक्टिंग है यस yes, दोनों कंडक्टिंग है दोनों को टच करोगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा ऐसा मत कर देना कि एक तरफ तो आपने ले लिया कॉपर का रॉड और दूसरी तरफ आप ले लो प्लास्टिक का रॉड है ना ऐसे केस में करंट का चार्ज uh, का जो फ्लो है या फिर चार्ज का जो ट्रांसफर है वो नहीं होगा so आपको ध्यान रखना है कि यहां पे दोनों कंडक्टिंग बॉडीज ही होनी चाहिए ठीक है इफ अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडीज इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडीज देन द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर सीधी सी बात वही है कि अगर सपोज करो आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए जिसमें कि एक तो चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है ओके okay, कोई ऐसा सिनेरियो सपोज करो मुझे मिल गया जिसमें एक बॉडी तो चार्ज है और एक बॉडी अनचार्ज है तो ये कोई आर्बिटरी शेप का बॉडी बना लेता हूं ये मेरा चार्ज है ठीक तो है तो सपोज करो पॉजिटिवली पॉजिटिवली है दूसरी बॉडी जो है वो अनचार्ज है यानी कि वो न्यूट्रल है न्यूट्रल का मतलब क्या होता है जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल का मतलब क्या है जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज अब जैसे ही मैंने इनको टच किया आपस में तो टच करने से इनकी टेंडेंसी क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलके एक दूसरे को मार देंगे न्यूट्रल कर एक दूसरे को तो भाई अगर ऐसा हुआ तो यहां से मैं इन पॉजिटिव को हटा देता हूं यहां से मैं इन नेगेटिव को हटा देता हूं और इन दोनों को अलग कर देता हूं अब बताओ क्या बचा ये जो बॉडी न्यूट्रल थी अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है जो बॉडी हमारी कभी न्यूट्रल हुआ करती थी आज वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है और जो ऑलरेडी चार्ज बॉडी थी उसका चार्ज थोड़ा सा कम हो गया और वो होगा क्योंकि उसने अपने चार्जेस का बलिदान दे दिया उसको चार्ज करने में ओके सो so, हमारा पहले चार्ज बॉडी था ये न्यूट्रल बॉडी था जैसे मैंने इनको कनेक्ट किया इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया इसके पास बचा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रल बॉडी से चार्ज कर दिया आपने तो यही है हमारा मैथड ऑफ कंडक्शन यही है हमारा मैथड ऑफ कंडक्शन द चार्ज बॉडी सम ऑफ इट्स चार्ज चार्ज बॉडी ने अपने दो चार्जेस को खो दिया है ना विच इज इक्वल टू द चार्ज गेन बाय द अनचार्ज बॉडी जो कि किसके बराबर है चार्ज गेन बाय द अनचार्ज बॉडी इसने दो पॉजिटिव चार्ज को खोया था ना वो दो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गए दो पॉजिटिव चार्ज इसने खोए थे ना अपने वो इसके पास आ गए तो यही बात है ये अपने कुछ चार्जेस को लूज करेगा जब वो किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के वाला होगा ओके तो कितने चार्जेस को लूज करेगा जितना चार्ज उसने गेन किया है है उसके बराबर रहेगा क्लियर दिस इज द थर्ड ऑफ चार्जिंग सबसे पहला फ्रिक्शन पड़ा जिसमें रबिंग करते हैं दूसरा इंडक्शन पड़ा जिसमें एक रॉड को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आते हो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर ग्राउंडिंग करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं ना फिर थर्ड मेथड जो आता है वो है कंडक्शन का जिसमें कि टच करने से टच करने से चार्ज का फ्लो होता है लेकिन हाँ टच किसको कर रहे हो कंडक्टिंग बॉडीज को ही टच करना ऐसे हर किसी बॉडी को टच करने से ट्रांसफर नहीं होता चार्ज का ठीक है तो ध्यान रखना इस बात का क्लियर है बढ़ सकते हैं अगले पॉइंट पे ओके okay. तो ये तो ही चार्जेस के बारे में सारी बातें हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ा हमने पढ़ा कि चार्जेस होते क्या है कितने टाइप के हैं दो टाइप के चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई किसी भी बॉडी को चार्ज करना है या फिर चार्ज को ट्रांसफर करना है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया अब अगला पार्ट जो हमारे पास आता है वो है कि भाई अगर दो चार्ज तुम्हें दे दिए गए ठीक है देख लेना इसका समझ गए ना तुम लोग कैसे ये चार्जेस का ट्रांसफर होता है पूरी पिक्चर है, देख लेना अगला पार्ट जो आता है हमारे पास में वो ये कहता है कि अगर हमारे पास में दो चार्जेस है तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे

और उन्हीं के बेस उनके नाम पे ये लॉ गया क्या जिसको कि हम कहते हैं कूलम्स लॉ लॉ एंड अकॉर्डिंग टू दिस कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच का ये वही फोर्स है जिसकी वजह से वो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे ठीक है तो क्या कहा गया कि जो फोर्स लग रहा है बिटवीन द चार्जेस वो क्या कैसे होगा वो प्रोपोर्शनल होगा द फोर्स बिटवीन द चार्जेस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यू वन और क्यू टू चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दिया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन चार्ज के बीच का सेपरेशन डी है यहां पर स्क्वायर कर दिया ये कूलम ने स्टडी किया था ठीक है ये सारी बातें हमें कूलम सर ने दी थी कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज अच्छा इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे सो इट टू बी एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय स्क्वायर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहां पे इट इज इक्वल्स टू के क्यू वन q2 टू बाई डी स्क्वायर यह है कुलम फोर्स ये है कुलम फोर्स और आई कैन से द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ये क्या है कुलम फोर्स है और हम कह सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ये के का वैल्यू क्या होगा ये जो के दिखा तुम लोगों को यहां पे इसका वैल्यू क्या होगा ये समझना पड़ेगा तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और के का जो वैल्यू मुझे मिला यहां पर इट गोज आउट बी नाइन इंटू की पावर नाइन यूनिट क्या होगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये है के का वैल्यू नोट करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा सो ये है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस और यहां पे जो प्रपोर्शनिटी साइन हटाया था एक कांस्टेंट आया के इसको की कूलम फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो प्रपोर्सनिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसका वैल्यू होता है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन

फोर्स क्या है या तो भाई इसका vector form भी होना चाहिए तो के vector form को स्टडी करते हैं कि अगर हमें फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं ठीक है तो ये सारे फॉर्मूला तुम्हें पता चल गए के K का जो वैल्यू है 9 into 10 के पावर 9 होता है हाँ एक और फार्मूला मैं के का डिफाइन कर देता हूं के को हम लिखते हैं 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सेलन नॉट क्या है ये परमिटिविटी ऑफ दलन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम या तो एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो इनकी परमिटिविटी है ठीक है इसकी वैल्यू होती है 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 पॉइंट एट फाइव

उसकी वैल्यू है ये हमने दो चार्ज माने थे Q1 और Q2 Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम है उसके लिए डिफाइन करते हैं परमिटिविटी अगर दोनों के बीच में एयर या फिर वैक्यूम है तो एपसेलन नॉट लिखोगे अगर दोनों के बीच में कोई और मीडियम आ गया तो क्या लिखोगे एपसेलन एम सपोज करो मैं स्नेरियो ले लेता हूं जिसमें दो चार्जेस है ठीक है तो यहां पर हमारा पहला चार्ज हो गया एक मिनट को या एक चार्ज यहां पर आ जाएगा मैंने इसको नाम दे दिया Q1, एक चार्ज यहां पर तो तो क्या बनेगा तो वाटर के लिए फॉर्मूला लिखोगे 1 अपॉन पाई एप्सिलॉन फॉर द वाटर जिसको कि हम एप्सिलॉन m से रिप्रेजेंट करते जो कि किसी मीडियम के लिए होता है Q1 Q2 बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर d है तो यहां पे लिखोगे d का स्क्वायर फॉर्मला बनेगा अगर दोनों चार्जेस के के बीच में हो गया। अब कैसे बनते हैं क्या बनता है वो मैं तुम्हें अभी डिफाइन कर दूंगा। इसको जो हम लिखते ये लिखते r q1 q2 ये क्या बात हुई किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर या फिर स्पेस जो कहना कह लीजिए यह फॉर्मला इंपॉर्टेंट है इसी चीज को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नाम सुना होगा ये वो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ही है ऑल्सो नोन एज ऑलसो नोन एज डायलेक्ट्रिक कॉन्टेंट इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है तो हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजिली सॉल्व हो जाएगा कहां से तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं बाहर लिखा दो इंटू वन अपॉइन फोर फाइव एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर यह तो वही एयर वाला फॉर्मुला बन गया तो मीडियम के लिए अगर मैं फोर्स को डिफाइन करता हूं यानी कि अगर चार्जेस के बीच में कोई और मीडियम आ गया तो यहां पे वाटर ना लिख के मैं कुछ मीडियम लिख देता हूं ठीक है है डिफाइन कर देते हैं उसको मीडियम है कोई तो यहां पे वाटर के एयर uh, के अलावा कोई और मीडियम अगर आ जाता है तो उसके इसमें फॉर्मला बनता है एफ एम इक्वल टू वन एफ सेलन आर डॉट वन अपॉइंट फोर नॉट क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर इसी चीज को हम लिखते हैं तो मीडियम में अगर फोर्स को डिफाइन करना है तो वो बनता वन वन यानी कि अगर दो चार्जेस के बीच में एयर थी दो चार्जेस के बीच में अगर एयर थी तो फोर्स कितना होगा तो क्या बना फॉर्मुला डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं डायरेक्ट्रिक कॉन्सटेंट को कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं तो ये जो फॉर्मुला यहां पर बनेगा इट कम शॉर्ट भी कितना एफ एम टू वन अपॉइंट के इंटू एफ एयर ठीक है तो दो केसेस बना लेने यहां पे ये ये Q1 है ये Q2 है यहां पे और पहले के केस में दोनों के बीच में एयर था तो अब इसके ऊपर सपोज करो दे पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जो फोर्स लगा रहे हैं वो एफ एयर का लगा रहे हैं ओके अभी दोनों के बीच में एयर है इसलिए एफ एयर लिख रहा हूं अब मैं मीडियम चेंज कर देता हूं यहां पे ये सेम चार्ज Q1 है और ये सेम चार्ज Q2 है अब दोनों के बीच में जो मैंने किया मीडियम पुट कर दिया अब जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा F मीडियम वाला लगेगा जो फोर्स लगेगा वो F मीडियम वाला लगेगा और मैंने तुम्हें उन दोनों फोर्सेस के बीच का रिलेशन बता दिया है के क्या है डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती तो इसके लिए परेशान नहीं होने वाटर के लिए ग्लास के लिए ग्लिसरीन के लिए कोई सा भी मीडियम डालते वो बीच में उसका जो डायलेक्ट्री कांस्टेंट होगा वो हमें गिवन होगा क्लियर है बट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कूलम्स ने ये फोर्स डिफाइन किया था हमें और इस फोर्स की जो हमने डिफाइन किया कि दो चार्जेस के बीच में एयर के अलावा कोई और मीडियम आ जाए तो फोर्स कैसे बनाएंगे हम ये ये बन गया इंपॉर्टेंट आपके लिए ठीक है बढ़े आगे चलो तो ये सारी बातें डिफाइन हो गई अब क्योंकि मैंने डिफाइन किया कि भाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के लिए तो भाई डायरेक्शन भी मैटर करती है सो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन फॉर दिस सो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं सो so कैसे डिफाइन करोगे इसके डायरेक्शन को अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो so डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करोगे तो भाई ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 दोनों के बीच का सेपरेशन R, तो फोर्स कितना बना अच्छा, क्यों टू की तरफ कैसा लग रहा है चार्ज कैसे लगेगा फोर्स uh, कैसे लगेगा अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है अगर ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस केस में क्या होगा ये एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे ये क्या करेंगे एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे तो ये इसने इधर भेजे इसको है ना इसने इसको इधर भेज दिया और इसने इसको इधर भेज दिया ये डायरेक्शन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कैसे डिफाइन करते हैं डायरेक्शन देखो इसके लिए हम क्या करते हैं ये जो डायरेक्शन होती है देखो आ, इसको हम बोलते हैं एफ वन टू इसको हम बोलते हैं एफ टू वन और एफ वन टू जो है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है एफ टू वन के

दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी तो यहां पे ये बात भी लिख सकते हो कि एफ वन टू वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का एफ टू वन वैक्टर अब बात होती है डायरेक्शन डिफाइन करने की तो यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो होती है आर वन टू और इस तरफ जो डायरेक्शन होती है ये होती है आर टू वन क्या है ये एक्चुअली ये पोजिशन वैक्टर से ये क्या है पोजिशन वैक्टर है अब इन दोनों के बीच में हमारे पास जो तो पोजिशन डिस्टेंस है वो है आर ये पोजिशन वेक्टर है अलॉन्ग विद डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं अभी मैं समझा देता हूं वो भी नेक्स्ट प्लाइड पे ओके तो वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं अभी आ रहा है बट इतना सा ध्यान रखो ये आर टू वन है कैसे आया वो भी बताऊंगा ये आर वन टू है एफ टू वन का मतलब क्या है फोर्स ऑन द चार्ज टू बिकॉज ऑफ द चार्ज वन एफ वन टू क्या है फोर्स ऑन चार्ज वन बिकॉज ऑफ द चार्ज टू

फोर्स ऑन चार्ज टू बिकॉज ऑफ द चार्ज वन फोर्स ऑन चार्ज वन बिकॉज ऑफ द चार्ज टू यही है ना एफ वन टू फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू एफ टू वन फोर्स टू वन और आर वन टू को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है आर टू वन क्या है यूनिट वैक्टर है आर टू वन क्या है आर टू वन कैप लिखा है कैप का मतलब यूनिट वैक्टर होता है एक्चुअली एक तरह का पोजिशन वैक्टर है ये पोजिशन वैक्टर फ्रॉम क्यू टू टू क्यू वन इज आर टू वन एज यू कैन सी हियर q2 से q1 के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो r21 है यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या है एक ऐसा वेक्टर जो कि अलोंग द डिस्टेंस लग रहे जैसे कि एक q2 चार्ज की q1 चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है तो पोजीशन वेक्टर क्या है एक ऐसा वेक्टर जो q2 से शुरू होगा q1 की तरफ जाएगा ये r21 से डिनोट किया अच्छा r12 कैसे होगा r12 इस डायरेक्शन में डिफाइन करेंगे फिर r12 क्या है एक ऐसा वेक्टर जो कि 1 से लेके 2 की तरफ जा रहा है

तो यहां पे ये सेकंड चार्ज है इसका पोजिशन वेक्टर हमें आर टू डिफाइन करना पड़ेगा ये पहला चार्ज है इसका पोजिशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा ओके? Okay? ये R1 ये वेक्टर, वेक्टर। अब यहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ेगा तो ये देखो एक ऐसा वेक्टर जो इधर जा रहा है एक ऐसा वेक्टर जो कि से वन की तरफ जा रहे है। ये लो। अब एक बात देखो ये आर टू वेक्टर क्या ट्राइंगल दिख रहा है यहां ये, ये कहां से बनता है ओरिजिन से बनता है तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा इसको ओरिजिन से ही बनाते को। अब अगर मैं तुमसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पता है आर टू और ये वाला वेक्टर क्स टू आर वन वैक्टर हो जाएगा तो ये मैंने क्या बोला था आर टू वन है तो क्या लिखूंगा ट्राइंगल लॉ वैक्टर एडिशन आर टू वैक्टर प्लस आर टू वन वैक्टर इजिक्वल टू आर वन वैक्टर ऐसे ही होता है ट्राइंगल लॉ ऐसे ही होता है ट्रैंगल लॉ आर टू वैक्टर है ये आर टू वन है और ये आर वन है तो ट्राइंगल यही तो कहता है सो आर टू वन क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर टू आर टू वन वैक्टर कितना आर टू वन वैक्टर हो जाएगा आर वन माइनस आर टू कहां से कहां तक जा रहे हो टू से वन की तरफ जा रहे हो कहा से कहां तक जा रहे हो टू से वन की तरफ जा रहे हो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कौन है वन है टू से वन की तरफ जा रहे हो फाइनल माइनस इनिशियल करने से आर टू वन मिल जाएगा काम फॉलो करते हुए हम आर वन टू भी निकालेंगे है ना? बहुत बढ़िया बस मैं इनके नाम रखता हूं बाकी सारी चीजें हटा देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो ये आपका सेकंड वाला चार्ज था ये पहला वाला चार्ज था ये आर वन टू होता है यानी कि एक ऐसा पोजिशन वेक्टर जो वन से टू की तरफ जा रहा है ये R1, हो जाएगा कैसे लिखेंगे आर टू माइनस आर वन फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखते हैं कैसे लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखते हैं तो ये फाइनल वो इनिशियल वन से लेके टू तक जा रहा है फाइनल माइनस इनिशियल आर टू माइनस आर वन ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो अच्छा ये बात जरूर पड़ी होगी कि, कि किसी भी वेक्टर को जब आप लिखते हो तो उसको कैसे लिखते हो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ए कैप कैप बोलते उसको याद है किसी भी वेक्टर को लिखते हो तो क्या लिखते हो उसका मैग्नीट्यूड फिर उसकी डायरेक्शन आर वन टू वैक्टर को कैसे लिख सकते हैं आर वन टू वैक्टर को कैसे लिख सकते हैं आर वन टू का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन तो आर वन टू कैप डायरेक्शन को मैंने कैप से डिनोट कर दिया वैसे ही आर टू वन को कैसे लिखेंगे आर टू वन वैक्टर को लिखते हैं कैसे उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन अच्छा एक बात बताओ आर टू वन और आर वन टू क्या है एक्चुअली इनका मैग्नीट्यूड क्या है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर वन टू का मैग्नीट्यूड और आर टू वन का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या है आर वन टू का मैग्नीट्यूड और आर टू वन का मैग्नीट्यूड क्या है दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है आर तो लिख दो यहां पर मॉड ऑफ आर वन टू इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर टू वन टू आर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है हाँ डायरेक्शन अलग अलग है डायरेक्शन अपोजिट है तो देखो यहां पे एफ वन टू को कैसे लिखा फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्र इन टू आर टू वन एफ वन टू कहां लग रहा है यह देखो एफ वन टू लग रहा है अब आर टू वन क्या है एक ऐसा वैक्टर जो टू से वन की तरफ जा रहा है एक ऐसा वैक्टर जो टू से वन की तरफ जा रहा है आर टू वन और एफ वन टू दोनों एक ही डायरेक्शन में है हाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ये इसका डायरेक्शन हो गया आर टू वन एफ टू वन फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू डू टू क्यू वन ये एफ टू वन अच्छा इसकी डायरेक्शन और आर वन टू की जो डायरेक्शन है क्या दोनों सेम है नीचे की तरफ येस दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये आर वन टू डिफाइन कर दिया मैंने अब ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना आर टू वन कैप क्या है आर वन टू कैप क्या है ये आर वन टू कैप ये रहा आर टू वन कैप ये रहा वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं ये है. क्यू वन और क्यू टू का वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लेते हैं नॉलेज होना चाहिए तो ही चीजें क्लियर रहेगी आपको so, कोई भी तुमसे पूछे भाई आप वेक्टर फॉर्म बताओ कूलम्स लॉ का जस्ट गिव दिस फॉमला ये फॉर्मुला दोगे काफी है वेक्टर लॉ वेक्टर लॉ के अलावा वेक्टर फॉर्म भी

यहां तक सब क्लियर है ना वेरी गुड अगला पार्ट जो हमारे पास आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में तो हमें पता है राइट right? बट अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्ज आ जाए तो जैसा कि यहां पे दिख रहा है तुम लोगों को यहां पे हमारे पास कितने हैं वन टू थ्री फोर चार चार्जेस है और ये एक बेचारा टेस्ट चार्ज ये चार डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे है. तो ये किसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दो अलग-अलग चार्जेस होते हैं तो हमें इस पिक्चर समझ आती है कूलम्स लॉ से हमें ये बात पता थी कि भाई दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है q1 और q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो तो बहुत इजीली डिफाइन कर दिया था है ना बट क्या होगा अगर यहां पे ये यह फोर्स होता था k q1 q2 बाय इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए r है तो ये अपॉन में r2 हो जाता था ये बात अच्छे से पता है लेकिन अगर यहां पर अलग अलग चार्जेस में ये बेचारा टेस्ट हो जाता है परेशान अब मैं क्या करूं क्या मैं F1 को कंसीडर करूं मैं F2 को, करू? F3 को या फिर F4 को ये तो दिक्कत वाली बात है ऐसे केस में ये बेचारा टेस्ट चार्ज परेशान हो जाता है और जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के पास में उसे पूछता है कि भाई मैं किसका फोर्स मानूं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर चार डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं तो तुम्हें चारों को कंसिडर करना पड़ेगा तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स हम कंसिडर करवाएंगे दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। एफ वन वैक्टर फोर्स वेक्टर होता है ना हां एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर प्लस एफ फोर वैक्टर बस ये वाली बात है ठीक है दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता था हमें पता था लेकिन सर यहां पे तो क्या हुआ चार अलग अलग चार्जेस है क्या करेंगे ऐसे केस केस में केस में हम इस इस हम पर्टिकुलर जो टेस्ट चार्ज है है जो जो फोर्स फोर्स करेंगे वो नेट फोर्स होता कि हर एक सिंगल फोर्स का वेक्टर सम होता है ध्यान रखना फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा हम लोगों को ठीक है सिंपल एल्जेब्रा नहीं कर सकते क्लियर है बात चलो भाई तो ये तो हुआ क्लियर अब आ जाओ अगले पार्ट पे अगला पार्ट हमारे बस यही डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है Q2, Q2 Q3, Q4 अलग अलग चार्जेस है Q1, Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है F1 तो F1 को तो बहुत इजीली लिख सकते हो तुम लोग Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है F1 तो F1 को कैसे लिखेंगे K, Q1, Q2 बाय इनके बीच का सेपरेशन जो भी होगा लेट्स से R1 सेपरेशन इनके बीच में सो आर वन so, R1 का स्क्वायर फिर वन और थ्री के बीच में लगता है फोर्स एफ टू वन और फोर के बीच में फोर्स लगता है अब कोई तुमसे पूछे कि भाई टोटल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर so रहा है यहां पर आपको एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर क्लियर बस सी बात है यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पार्ट है देख लेना कोई टफ चीज नहीं है वही बात बोली गई है यहां पर भी जो मैं तुम्हें समझा रहा था याद रहेगा प्रिंसिपल ऑफ चलिए भाई अब अगर हम कूलम फोर्स पे सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं तो अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यार एक डाउट क्लियर आता है दिमाग में वो ये आता है कि हम एक बात जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मुझे फोर्स लगाना है तो मुझे टच करना पड़ता है उसको फोर्स इन द सेंस धक्का मारने किसी को तो धक्का मारने के लिए आपको उसको टच करना पड़ेगा बिना टच किए फोर्स कैसे लगा लेते हैं लोग ये चार्जेस बिना टच किए फोर्स कैसे लगा लेते भाई? कोई पावर, पावर इलेक्ट्रिक को फील्ड का याद होगा जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था तो ग्रेविटेशन में आपने ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में पढ़ा था पढ़ा था क्या बोला था कोई भी मास और जैसे ही कोई दूसरा मास ऑब्जेक्ट उस फील्ड में आता है वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है इसके साथ भी वही है जैसे कि कोई भी मास ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है वैसे ही चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जैसा कि मैंने कहा इट इज द स्पेस अराउंड चार्ज किसी भी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस सच दैट उस स्पेस के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा कौन सा कूलम्स वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो उसको ठीक है तो भाई ये कैपिटल क्यू चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है फील्ड बनी चारों तरफ अब सपोज करो कोई छोटा अच्छा चार्ज माइनस वाला चार्ज घूमता फिरता आ गया माइनस वाले चार्ज को थोड़ी पता था फील्ड है वो तो बेचारा टहलता टहलता आ गया यहां पे देखा इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस वाला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा अब इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लेगा फिर एक और पॉजिटिव चार्ज आया घूमता फिरता घूम रहा था मस्ती से वो इसके फील्ड के अंदर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड की वजह से इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग जाएगा तो देखा नेगेटिव चार्ज के लिए ऊपर जो फोर्स लगा वो टुवर्ड्स चार्ज लगा और इसे अवे फ्रॉम चार्ज तो इस तरीके से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मला है KQ1, Q2 by, इनके बीच का जो भी होगा, उसका स्क्वायर कर दोगे ये फोर्स लगता है ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोग यहां पे जो डिफाइन करेंगे वो थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी

हम क्या फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके चारों तरफ का फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है है ठीक तो चलो भाई ये चीज ट्राई करते हैं इसके लिए हमें चाहिए फिर से एक टेस्ट चार्ज जैसे कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था एक टेस्ट चार्ज होता है वैसे ही हम एक टेस्ट चार्ज यहां पे लाके रख देते हैं स्मॉल क्यू ये हमारा क्या हो गया टेस्ट चार्ज अब ये टेस्ट चार्ज को मैंने जब यहां पे पॉइंट पी पे लाके रखा तो क्या इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ऑफ कोर्स लगेगा फोर्स इसके ऊपर तो इसके ऊपर लगता है फोर्स फोर्स कितना लगता है मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं के ये वाला कैपिटल क्यू चार्ज है ये वाला कैपिटल क्यू चार्ज है तो कैपिटल क्यू ये छोटा क्यू स्मॉल क्यू और इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए आर है तो ये आर हो गया ठीक है तो P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लाके रखा दोनों के बीच में फोर्स लगा के कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन आर R R है दोनों के बीच का डिस्टेंस है R क्या हो जाएगा बेटा दोनों के बीच का डिस्टेंस चलो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या डिफाइन करती है इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता है फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज सो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप लिखते हो ई e से डिनोट करते हैं हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई e से डिनोट करेंगे इट कम्स बी फोर्स फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट टेस्ट चार्ज चार्ज यानी कि पर ठीक है क्या बोला इसके लिए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज तो हमारा छोटा वाला क्यू था तो फोर्स पर यूनिट छोटा क्यू फोर्स तुमने निकाल लिया था ऑलरेडी चलो भाई पुट करो फोर्स की वैल्यू को यहां पे सो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में ऑलरेडी एक स्मॉल क्यू है स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू मर जाएगा सो द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट बी हाउ मच के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर ये हमें मिला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी समझ गए बात को क्या बोला हमें अगर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम वहां पे पहले रखेंगे क्यु। है, मैं बना देता हूं अगर नहीं दिख रहा तो स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है हमें इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और कह सकते हो फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट टेस्ट चार्ज तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज हमारा क्या था स्मॉल क्यू एफ अपॉन स्मॉल क्यू फोर्स कितना लग रहा था कैपिटल क्यू हमारा स्क्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहां पे है ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है R इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट P एंड द चार्ज Q कैपिटल Q पॉइंट P और कैपिटल Q के बीच का सेपरेशन R है तो ये देखो R का स्क्वायर हो गया

पुट कर दो के कैपिटल क्यू अपॉन यहां पे डिस्टेंस आर था पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे तो आर A वाला पॉइंट डी डिस्टेंस पे है तो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर लो भाई ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ठीक तो है तो पॉइंट यह आया कि हमें अच्छे से पता था दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहे हैं भाई वो फोर्स कैसे लगा रहे बिना टच किए फोर्स लगाना उ इट पॉसिबल तो उसके लिए जैसा ग्रेविटेशन में होता था कोई भी मास्यूस करता है कोई दूसरा मास ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो क्या होगा उसको ग्रेविटेशन फोर्स फील होगा वहां पे तो भाई कितना वैल्यू होता है जरा बताओ

साइंटिस्ट लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं ना टेस्ट करते हैं चूहे पे करते हैं या फिर कोई भी जानवर लेते छोटा छोटा सा है ना छोटा सा चूहा ले लेंगे उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला क्या है एफ बाई क्यू डेफिनेशन यही कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज या फिर कह सकते फोर्स पर यूनिट

फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है चार्ज एक तो आंसर क्या मिलेगा वेक्टर तो तो स्केलर मिलेगा? मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फॉर्मुला कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू बाय आर कैप ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है कैपिटल क्यू चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज के आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था तो ये रो भाई तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा K कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप आर कैप क्या है पता चले होगा क्या है ये अपने पास बुलाता है है इसको ठीक अपने पास बुलाता है ये ये तो भाई ये रहा तुम्हारा के भाई आर्गेप। आर्गेप सिर्फ डायरेक्शन को बताता है है ना पता है ना वेक्टर को लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े आगे चलो सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसका फॉर्मुला क्या होता है पढ़ चुके हो अब प्रॉपर्टीज पा चो फटाफट से भाई वेक्टर क्वांटिटी ये बता चुका हूं ऑलरेडी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन जो होगी जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन

और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है एज यू कैन सी हियर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है तुम्हें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ऐसी कोई लाइन रियल में तुम देख नहीं सकते उसको ठीक है ऐसा नहीं होता कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है देखो हमें दिख रही <laughs> ऐसा नहीं हो सकता है ना सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हम इनको देख नहीं सकते बट यस बाय परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल दिस पार्ट हमने इनके बारे में किया कि हाँ यार, ऐसे कुछ लाइंस है यहां पे ठीक है सो नेगेटिव चार्ज के लिए जो होती है ये कैसी होती है टूवर्ड्स इट पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम इट नेगेटिव चार्ज में टूवर्स द चार्ज ठीक है ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हो गई अब आगे आ जाओ फटाफट से अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं यूनिट uh, की बात करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा यूनिट के लिए यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज यही बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड टू फोर्स अपॉन चार्ज फोर्स क्या है अच्छा डायमेंशन डिफाइन करे तो फोर्स uh, का डायमेंशन पता है इट्स एम एल टी माइनस टू चार्ज का डायमेंशन ए टी इनवर्स या एटी एटी होता है ना सिर्फ अच्छा अब यार एक बात बताओ ये ऊपर चला जाएगा टी ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो भाई फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू चार्ज का डायमेंशन ए टी ये टी ऊपर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मुला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बढ़िया अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो एफ बाई क्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मुला था, था क्या फोर्स हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है क्या फोर्स हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है क्या बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है हमारा फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करेगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को यानी कि अगर आपके पास में दो से ज्यादा चार्जेस हो गए एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला डिफाइन करते हैं दो चार्ज आगे फिर तीन चार्ज आगे फिर चार आगे पांच आगे दस चार्ज आगे फिर हर एक के लिए हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते एज यू कैन सी हियर यहां पे ये पॉइंट पी है पॉइंट पी के चारों तरफ तो देखो कितने चार्ज दिख रहे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है पॉइंट पी के चारों तरफ अब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो किसका हम कंसिडर करें क्या पहले वाले चार्ज को क्या दूसरे वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड माने थर्ड वाले का माने फोर्थ का माने फिफ्थ का माने तो सुपरपोजिशन uh, प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास में एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो जैसे आपने फोर्स को माना था इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही करना पड़ेगा तो पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं बाकी की चीजें रिस्क कर देता हूं सो so तुम्हें थोड़ा सा चीजें आसानी लगेगी ठीक है हाँ सो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द वेक्टर एडिशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है सो वेक्टर एडिशन कर दीजिए इवन वेक्टर प्लस टू वेक्टर प्लस e3 थ्री वैक्टर प्लस वेक्टर प्लस e5 फाइव लो जी ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा हमारे पास सो so, जैसे अलग अलग चार्जेस थे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे दैट विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ

इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया सारी बातें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिफाइन किया यह सारी पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया बड़ी सी बॉडी आ जाए फिर क्या करोगे बड़ी सी बॉडी जैसे सिलेंडर uh, आ गया फिर उसके अलावा uh, उसके अलावा कोई भी कोई भी बड़ी सी ऑब्जेक्ट एक रॉड uh, आ गई एक रॉड है जिसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है

लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है तो क्यू बाई एल इसको करके लिख सकते हो लैम्डा से किन के लिए डिफाइन किया जाता है फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किन के लिए डिफाइन किया जाता है वन ऑब्जेक्ट्स के लिए अब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वायर हो गई रॉड हो गया ओके okay? तो ये सारे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास सिर्फ लेंथ होती है पतली सी वायर एक पतला सा रॉड होगा वो हमारे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ये पेन ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ठीक है हाँ थोड़ा सा मोटा है इसका हम डायमीटर वगैरह फाइंड कर सकते हैं बट सपोज करो बहुत पतला सा पेन होता तो जैसे तुम्हारे वो पेन की रिफिल होती है पेन की रिफिल है ना वो वन डायमेंशन में मान सकते हो उसको तुम लोग तो वो वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए आप डिफाइन करते हो एक टर्म विच इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के पास सिर्फ लेंथ होती है इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ सेकेंड आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे एंड इट इज नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज अपॉन एरिया कहते हैं इसको क्या बोलेंगे चार्ज अपॉन एरिया किसके लिए डिफाइन किया जाता है टू डी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उनके लिए हम इसको डिफाइन करेंगे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जैसे कि सर्कल डेस्क उसके अलावा रेक्टेंगल स्क्वायर शीट है ना या फिर पेपर तुम्हारे पास पेपर होगा वो टू डायमेंशनल है उसका एरिया फाइंड कर सकते हो तुम लोग सो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में आएगा शीट फिर शीट में कोई भी शीट हो सकती है ठीक है डिस्क सर्कल ये सारे टू डायमेंशन जिनका एरिया फाइंड कर सकते हो आप लोग ठीक है तो उनके लिए डिफाइन किया जाएगा टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी आगे चल के जब इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कहां आता है जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हमें इन टर्म्स के थ्रू ही उसके पर्टिकुलर एरिया पे चार्ज फाइंड करने की तरीके मिल पाते हैं एक्चुअली जैसे कि सपोज करो ये पेन है है ना ये पेन तुम्हें दिख रहा है इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अब इसके लिए अगर तुम्हें सपोज करो चार्ज फाइंड करना है तो कैसे करोगे तो चार्ज फाइंड करना मुश्किल है ना पर इस पेन की लेंथ मैं कर सकता हूं। मुझे चार्ज का वैल्यू पता नहीं है लेकिन अगर मुझे लैमडा का वैल्यू ला दे दे कोई मुझे लैमडा का लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ला दे दे तो क्या मैं चार्ज निकाल सकता हूं यहां से इजीली यस अगर आपको इस पेन के लिए लैमडा पता है तो चार्ज कैसे लिखोगे

अब वॉल्यूमेट्रिक है तो डेफिनेटली उसी बात है यहां पे यह क्या है चार्ज अपॉन वॉल्यूम चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्योंकि तो वॉल्यूमेट्रिक तो है।, है ना ये तो वॉल्यूम से रिलेटेड अब वॉल्यूम तो हमेशा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का फाइंड किया जा सकता है थ्री डी ऑब्जेक्ट्स का ही वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं ना थ्री डी ऑब्जेक्ट जैसे कि स्पेयर सिलेंडर क्यूब क्यूबॉइड स्पेयर सिलेंडर क्यूब राइट right? इन सब के लिए हम रो को डिफाइन करते हैं इट शोज अस द चार्ज डेंसिटी ये लैमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या बनेगा वन डायमेंशनल के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है तो चार्ज अपॉन लेंथ टू डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है इसलिए चार्ज अपॉन एरिया

जब हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको बहुत अच्छे से कवरअप करवाते चलेंगे, राइट? ओके, सो ये हमारे yes. so, पास, पास में जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है. दिख रहे रॉड के ऊपर टोटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, है जो रॉड के एक एंड से रॉड का एक एंड यहां पे है इस एंड से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कैसे करते हैं स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व करना पड़ता है बट अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन वाला पार्ट है तो इतना डिटेल नहीं जाने वाले हैं यहां so पे पे सो जस्ट फोकस करते कि इसके लिए जो आएगा इट कम्स आउट बी के लैमडा एल अपॉन ए ए प्लस एल ठीक है अभी जो लैमडा इंटू एल है ये टोटल चार्ज भी लिख सकते हो इसको आप लोग यहां पर Into L को आप टोटल चार्ज भी लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटू मान लीजिए नोट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हमें चार्ज के फॉर्म में देता है या फिर वो हमें लैमडा के टर्म देता है।, पता है ना क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैमडा क्या हो जाएगा

और ये पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया दो फॉर्मूले बने या तो k लैम्डा l अपॉन a a l या फिर kq अपॉन a a l दो फॉर्मूले बनते हैं दोनों ही सही है ठीक है या फिर एक और जो केस हमारे पास आता है जिसमें कहते हैं कि रॉड के एक्सिस के परपेंडिकुलर ये रॉड का एक्सिस उसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट पी है ऐसे केस में दो अलग-अलग केसेस जनरेट होते हैं

ठीक है ये इनको हमने जैसे पॉइंट पी से ज्वाइन किया तो यहां पे जो एंगल्स बनते हैं थीटा वन थी थीटा बनते हैं और पैरल के लिए होता है थीटा फॉर्मुलाइनसा वन थीटा वन और थीटा का जो फॉर्मुला होगा वैल्यू होगा वो पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे सो so अगेन दो फॉर्मुले हमारे इंपॉर्टेंट है ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरल सिर्फ वेरिएशन का एलडापॉन ए सेम है यहाँ पे साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आ गया पैरल के लिए कॉस् थीटा टू माइनस कॉस्ट सीटा वन आ जाएगा इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है

पहले हमारे पास जो एंगल बनाते थे वो ये बनाते एंगल बनाना पड़ेगा तो तुम देख रहे हो, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और बड़ी तो बट क्योंकि रॉड इनफाइनाइट तक जा रही है इनफाइनाइट तक जाने का मतलब है कभी खत्म नहीं होगी तो ये एंगल हम ऐसा बनाएंगे एकदम सीधा ये 90 डिग्री के जैसा बन रही है देखो तो अगर ये रॉड इनफाइनाइट तक जा रही है तो हमें यहां से जो लाइन करते थे, है ना? एक लाइन ड्रॉ करते थे फिर एंगल, के लिए ये सीधा जाएगा उपर, में एंगल बनेगा 90 डिग्री का यानी कि यहां पे थीटा वन 90 डिग्री हो जाएगा नीचे भी आओ नीचे भी ऐसे चलेगा पिक्चर यहां से एंगल सब करेंगे ऐसे थीटा टू और यहां पर देखो तो थीटा टू भी आपका नाइन थीटा so, वन और थीटा टू दोनों क्या है नाइनटी डिग्री ठीक है ठेके? अब ई परपेंडिकुलर ई पर थी और अगर हम बात करें पैरेलल की तो वही थीटा वन थीटा टू की जगह 90 पुट करो कॉस्ट 90 जीरो होता है यानी कि इस केस में कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा क्या मतलब समझे इससे तुम लोग ई परपेंडिकुलर है टू के ए

ये तो ई e परपेंडिकुलर था ये e parallel था। इस बार ये जीरो हो गया, तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं इसको हटा दो यहां से। ये जीरो हो गया, तो हटा दिया। तो सिर्फ एक ही संभावना है। है? तो ये हमारा फॉर्मुला बन गया तो ये हुआ रॉड की वजह से अब अगले केस में हम आर्क के लिए पढ़ते इसको, कि किसी भी आर्क का केस आ जाए या फिर कुछ और केसेस जो है उनको कवर करते हैं तो भाई अगर एक आर्क आ जाए आर्क क्या होता है आर्क क्या है एक सर्कल है तुम्हारे पास में उस सर्कल में से कुछ पार्ट को कट कर दो एक सर्कल है तुम्हारे पास में उस सर्कल में से कुछ पार्ट को तुम कट कर दोगे देन विल गेट द आर्क तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? आर्क मिल जाएगा मिल गया आर्क सर्कल में से छोटा सा पार्ट कट किया वो बन गया आर्क अब इस आर्क को देखें तो ये हमारा सेंटर यहां पे होगा सर्कल का ये हमारा क्या था सर्कल का सेंटर था है ना पूरा सर्कल ऐसे था पूरा सर्कल ऐसे था ना हाँ तो उसका सेंटर यही हुआ चलो अब इस सेंटर पे देखो तो ये कितने एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो मैटर करते हैं ज्यादा एक बाईसेक्टर बना लू मैं यहां पे देखो और यहां पे देखो एंगल कितने कितने सब्टेंड होते आर्क का जो रेडियस है वो मान लीजिए कैपिटल आर है यानी कि जो सर्कल का रेडियस था वो कैपिटल आर है इस केस में क्योंकि देखो अभी फिर से हमारे पास आर्क आया है आर्क का एरिया फाइंड नहीं कर सकते हां सर्कल होता तो सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं लेकिन आर्क का एरिया कैसे फाइंड करूंगा मैं तो इसका तो लेंथ फाइंड कर सकता हूं इसका लेंथ क्या होता है याद है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर्क लेंथ अपॉन रेडियस तो आर्क लेंथ एल जो है वो कितना हो जाएगा आर इन टू एंगल

वो एंगल है जो कि सेंटर पे सब किया जा रहा है अल्फा तो फॉर्मूला क्या बनेगा टू के, बाई आ, टू के बाई ए, पहले भी बन रहा था टू के बाई ए, पहले भी बन रहा था लेकिन इस बार टू के बाई आर हो गया है, साइन अल्फा बाई टू कर देना बस तो चेक करो बीच में कितना एंगल बनता है उसको आधा कर दो और यहां पे पुट कर दो ये तुम्हारा जनरल ये जो है ये जनरल फॉर्मुला है और इसके बाद जो भी होगा यहीं से तुम सारे को डिफाइन कर दोगे। अच्छा, मैं भाई आ, कहां पे बता रहे हो पॉइंट पी पे बता रहे हो तुम लोग अच्छा मुझे बताओ अगर यहां पर सेमी सर्कल आ जाए अगर यहां पर सेमी सर्कल आ जाए फिर क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मला क्या बनेगा उसके इसमें सेमी सर्कल के लिए सेमी uh, सर्कल के लिए कैसे करें अल्फा जो है यहां पे सेंटर जो एंगल बन रहा था क्या वो पाई के बराबर होगा बिल्कुल रेडियस कितना आर तो फॉर्मुला क्या बनेगा टू के लैमडा बाई आर साइन अल्फा कितना इस बार पाई के बराबर तो पाई अपॉन टू साइन पाई बाई टू साइन नाइनटी वन होता है एंड योर फॉर्मुला कम्स बी ईक्वल्स टू टू के लैमडा बाई आर यह बन गया फॉर्मुला क्लियर है किसके लिए हुआ सेमी सर्कल के लिए इसको क्या बोलते हैं सेमी सर्कल तो देखा एक फॉर्मुला अगर तुम्हें पता है तो तुम किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो सो दिस इज द मोस्ट फॉर यू पता है तो तुम किसी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो भले वो सेमी सर्कल है भले वो पूरा कंप्लीट सर्कल होगा उसके भी फाइंड कर सकते हो अभी आगे आने वाला केस कंप्लीट सर्कल का भी तो क्लियर है सेमी सर्कल के लिए हमने बताया ये बना टू के आर। अच्छा इसकी जगह सपोज करो क्वाड्रेंट होता तो क्वाड्रेंट कैसा होता है चलो मैं बताता हूं ये ये वाला बात समझ आया ना चलो क्वाड्रेंट कैसा होता है मैं बताता हूं क्वाड्रेंट होता है ऐसा पाई की तरह है ना पाई मतलब वो पिज्जा का वो होता है ना वैसा <laughs> तो क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया है तो अब कैसे फाइंड करेंगे तो इसमें अल्फा चेक करो मैंने क्या बोला था ये आपका पॉइंट पी आ गया ये रेडियस आर था है ना अब अल्फा किसके बराबर होगा यहां पे

साइन पाई बाई फोर अब साइन पाई बाई फोर मतलब साइन फोर्टी फाइव डिग्री कितना होता है सो so ये बन जाएगा कोई भी फॉर्मूला दे दो एक जनरल फॉर्मूला हमारा यही काम का है यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक जनरल फॉर्मूला है ये उसके बाद कुछ भी दे सेमी सर्कल दे दे ये क्वाड्रेंट कहते हैं इसको एक क्वाड्रेंट दे दे आपको या फिर एक कंप्लीट सर्कल भी दे देगा दे ना तो भी कर लोगे अच्छा बताओ कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होगा फिर एक कंप्लीट सर्कल अगर दे दिया जाए तुम्हें तो, तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कंप्लीट सर्कल दे दिया अब सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है टू पाई का सही बात है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है एक पूरा कंप्लीट चक्कर होता है तो टू पाई एंगल बनता है एक कंप्लीट चक्कर होता है तो टू पाई एंगल बनता है सेंटर पे तो अल्फा इस बार हमारा टू पाई के बराबर हो चुका है तो, e कितना है इस बार हमारा टू पाई टू पाई बाई टू टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा साइन पाई क्या बनेगा यहां पर साइन पाई बनेगा साइन पाई कितना होता है Two से टू कैंसिल हो गया बच्चा साइन पाई साइन पाई का मतलब कितना जीरो तो हो जाएगा हमारा आंसर जीरो सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा जीरो कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जीरो क्वाड्रेंट का अंडर रूट टू सेमी सर्कल के लिए भी बता दिया टू के लमडा बाई आर होता है ठीक है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मुला है एक जनरल है यहीं से तुम सभी चीजों को डिफाइन कर सकते हो क्लियर है चलो जी तो ये सारी okay, ये सारी बातें हो गई क्लियर वही बात भाई सेंटर सेंटर पे बताओ जरा, पे जरा कितना होता है तो सेंटर पे तो हमें पता है जीरो होता है सेंटर पे तो जीरो होता है अच्छा हाँ कुछ लोग इसको सिमेट्री के तौर पे भी बताते हैं कि भाई सिमेट्री के फॉर्म में देखो सिमेट्री के फॉर्म में देखो सेंटर पे इधर का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर की तरफ

तो चार्ज सेम है ए बी और सी डी पे दोनों ही आर डिस्टेंस पे है आर इज द रेडियस तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर होगी तो इन्होंने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल आउट ऐसे ही और कहीं का ले लो इधर का ले लो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इधर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इधर तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते तो सिमेट्री की वजह से भी जीरो बोल सकते हो तो दोनों तरीके से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सिमेट्री की वजह से भी जीरो हो सकता है और एक फॉर्मुला तो बता ही चुका हूं तुम लोगों को क्या था टू के एल एमडा बाई आर आर क्या है रेडियस साइन अल्फा by टू अभी अल्फा क्या है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो यहां पे पुट कर देना तो दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भाई सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ठीक है अच्छा जी अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई सेंटर नहीं सेंटर से कहीं और थोड़ा दूर वहां पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बोलोगे कोई तुमसे बोले कि भाई सेंटर पे नहीं सेंटर से थोड़ा सा दूर आगे आओ ये रहा सेंटर सेंटर से थोड़ा आगे आगे मान लीजिए एक्स डिस्टेंस आगे आगे अब बताओ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला है सेंटर पे किसी भी रिंग के ये क्या है हमारे पास रिंग है है ना ये क्या है? रिंग है तो किसी भी रिंग के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो डिफाइन कर दिया था लेकिन अगर सेंटर से थोड़ा एक्सिस पे बाहर की तरफ आ जाओ तो रिंग के एक्सिस पे अगर हमें फाइंड करना है नॉट एट द सेंटर बट एट द एक्सिस एक्सिस पे पॉइंट पी है यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना फिर क्या करेंगे ये तो दिक्कत वाली बात है भाई ये दिक्कत वाली बात है इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मुला याद रखो ई इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू इसको मैं डी बोल दूं ये ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस एक्स है

जो चार्ज ऊपर है वही चार्ज नीचे होगा सिमेट्री है भाई सिमेट्री मतलब रिंग एक जैसी है अरे रिंग देखिए ना तुम लोगों ने एक जैसी होती है जैसा ऊपर है वैसे नीचे है है बराबर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे पे आर, कैपिटल कैपिटल आर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर से चार्ज बांट रखे जैसे सपोज करो तो तुम, तुम्हारे दोस्त का बर्थडे ठीक है थीके? तो उस केस में क्या होता है तुम्हारे दोस्त टॉफियां लेके आया तुम्हारे लिए और अब वो क्या कर रहा है बांट रहा है तो

तो उतना ही चार्ज यहां पे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे तो ये वाले कॉम्पोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो जो नेट कॉम्पोनेंट रहता है वो यही रहता है अब इसको सॉल्व करना पड़ता है तो वो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो यहां कवर नहीं करेंगे हम सिर्फ फॉर्मुले पे फोकस करेंगे ठीक है हम सिर्फ फॉर्मुले पे फोकस करेंगे बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए ओके सो यहां पे देखो ये रेडियस ये एक्स तो डी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्कवायर प्लस एक्स स्क्वागोरम याद ही होगी तुम लोगों को राइट एंगल ट्रैंगल दिख रहा है ये बिल्कुल दिख रहा है राइट एंगल ट्रैंगल ये क्या है आ, कुछ भी मान लो इसको बेस मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है ये, ये हाइपोटेन्यूस है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस या फिर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कुछ भी बोलो आंसर सेम आएगा अच्छा मतलब यहां पे ये ऐसा लिखना चाहता है के क्यू एक्स अपॉन डी क्यू यस इसका तात्पर्य ये है के क्यू एक्स अपॉन डी क्यूब डी क्या है अंडर रूट तो अगर अंडर रूट में लगाओगे तो ये बनेगा ऐसा वाला समझते हो ना डी को क्या लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू कोई गुनाह तो नहीं करेंगे ऐसा लिख के बिल्कुल नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला पुट करो यू विल गेट द आंसर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना अपने लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको एक्सिस पे फाइंड करनी है

अब आर्क में तो मैंने जनरल फॉर्मला दे दिया अब आर्क में भले वो सेमी सर्कल दे दे क्वाड्रेंट दे दे कंप्लीट सर्कल दे दे सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट केस आता है एक्सिस एक्सिस वाला तो के लिए फॉर्मला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो बस ये समझ लेना ये एक्स डिस्टेंस है ये आर है तो ये डी है और डी है अंडर रूट ऑफ आर स्कवायर प्लस एक्स स्क्वास इतनी सी बात समझ लो तो फॉर्मला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू एक्स अपॉन डी क्यूब क्यू एक्स अपन डी क्यू ये okay? चलो आगे बढ़े आओ भाई आगे बढ़ते अब बात आती है कि ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मुला वगैरह सब बता दिए दिखती कैसी आप ही ने तो बोला दिखती नहीं है आप ही ने तो बोला कि भाई हमें थोड़ी दिखेगी फील्ड लाइन कि भाई ये तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां से नहीं हमें नहीं दिखती है। बट हमने उसको एज्यूम किया है हम देख नहीं सकते हाँ, हम बिल्कुल नहीं देख सकते लेकिन हमने उसको एज्यूम किया है हमने सपोज किया है हमने कुछ अभी भी एश्योरिटी मैन नहीं थे हम लोग हमने बस ऐसे बोला कि यार ऐसा हुआ होगा ऐसी होती होगी यह बात पता चलेगी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलती है नेगेटिव चार्ज में अंदर जाती है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी तो बताओ फील्ड के बारे में तो ऑब्जर्वेशन करने से हमें कुछ और बातें पता चली तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करा हमने फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करी हमने तो ड्रॉ करने के बाद में हमें कुछ चीजें पता चली यहां पे कि भाई मैथमेटिकली तो वाला है ही सही है ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला के क्यू बाई आर स्क्वायर है ही सही मैथमेटिकली तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग और इवन क्वेश्चन सॉल्विंग में भी काम आता है ड्रॉ करने के टाइम पे क्या करोगे फिर ड्रॉ कैसे करते हैं उसको ड्रॉ करते हैं सबसे बेस्ट तरीका है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस को बाहर निकाल देना नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस को एंटर कर देना ठीक है सो so, मैंने क्या बोला एक कन्वीनियंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक पैटर्न इज टू ड्रॉ द लाइंस वही बात है लाइंस को ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा फील आ जाए कि यार कैसा होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं इसको ठीक है तो आगे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो एक ही बात होगी कंफ्यूज मत होना कोई तुमसे बोले लाइन ऑफ फोर्स बोलो सर ये क्या लाइन ऑफ फोर्स है हमने तो कभी पढ़ा नहीं लाइन ऑफ फोर्स अगर कोई तुमसे बोले तो बोल देना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं वो वो ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस जो होती है, वो होती है है इमेजिनरी इन अ अ अ रीजन ऑफ स्पेस अलोंग फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो यानी कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ की स्पेस में ऐसी लाइंस बना दो जिसमें कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो मूव करेगा क्या किसी भी चार्ज के चारों तरफ का इलाका जिसमें अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो मूव करेगा जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा तो वो दूर चला जाएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा तो वो पास आ जाएगा है ना ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं चलो भाई और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है तो भाई पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट यानी कि खत्म कहा जाके नेगेटिव पे ये बात पहले भी बताई थी ओके दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप क्लोज लूप नहीं बनाएगी ऐसा मत बोलना कि सर पॉजिटिव से निकलगी नेगेटिव पे चलेगी और बाद में नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव की तरफ आएगी है ना कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना कि भाई अगर फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रही है तो ये मत बोलना कि भाई नेगेटिव भी तो वो पॉजिटिव की तरफ आएगा ऐसे मत बना देना यार इसको है ना पॉजिटिव से नेगेटिव पे गई तो तुम बोलो नेगेटिव से भी पॉजिटिव पे जाएगी नॉट पॉसिबल काट दो नहीं हो सकता भाई ऐसा तो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी दे डू नॉट टर्मिनेट इन द स्पेस अब क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो उसके पास में बहुत सारी फील्ड लाइन से भी देखो तो बहुत सारी फील्ड लाइन रही है एक मिनट को यहां पे भी बहुत सारी फील्ड लाइन निकलेगी और सारी की सारी फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है 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 له, इन इन जा जा थे थे से निकली, नेगेटिव पे गई पॉजिटिव से निकली पे तक जगह तक पॉसिबल है मैं बना सकता हूं ऊपर कवर कर दूंगा लेकिन जहां पे मेरे पास जगह खत्म होगी वहां क्या बोलूंगा जैसे देखो नीचे खत्म होगी यहां खत्म होगी जगह खत्म होगी मेरे पास में तो इसका ये मतलब नहीं कि लाइन यहां खत्म हो जाती है नहीं कभी भी वो स्पेस में खत्म नहीं होती है यही बात कह रहा है पॉइंट दे डू नॉट टर्मिनेट इन द स्पेस तुमने फील्ड लाइन बनाई बहुत सारी फील्ड लाइन बन गई बढ़िया मस्त तरीके से हाँ बहुत अच्छे से बन गई लेकिन जैसे ही यहां पे खत्म हुई आके इसके आगे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता तो ये मत समझना कभी कि यहां पे खत्म होगी फील्ड लाइन हमेशा इनफाइनेट तक जाती है फील्ड लाइन हमेशा इनफाइनेट तक जाती है ऐसा मत बोलना कि वो यहां पर खत्म होगी यहां पर आके कभी भी स्पेस में खत्म नहीं होती वो वो इनफाइनेट तक जाती है

मान लो दो चार्ज तुम्हें दे दिए गए एक चार्ज पे ज्यादा फील्ड लाइन आ रही है और एक चार्ज से कम फील्ड लाइन जा रही है तो दो चार्ज जैसे कि देख लो तुम लोग एक चार्ज यहां पे Q1 नाम दे दिया मैंने एक चार्ज यहां पे मैंने नाम दे दिया Q2, ठीक है डायग्राम भी देख सकते हो तुम लोग वही पिक्चर है ना क्यू से फील्ड लाइन्स निकली बहुत सारी क्यू से फील्ड लाइन्स निकली बहुत सारी

इसका मतलब क्या है Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q2 से ज्यादा होगा ध्यान रखना जिसमें से ज्यादा लाइंस निकलेगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा जिसमें से कम लाइंस निकलेगी उसका मैग्नीट्यूड कम लाइंस निकलना या फिर लाइंस आना एक ही बात है कोई कंफ्यूज मत होना जैसे यहां देखो ये टू क्यू का चार्ज है ये क्यू का चार्ज है एक तरफ प्लस का टू क्यू है टू क्यू बड़ा मैग्नीट्यूड होता है मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मैग्नीट्यूड की टू क्यू बड़ा है क्यू से क्यू बड़ा है क्यों से तो देखो टू क्यू से कितनी लाइंस निकली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन इसमें से यहाँ पे का क्यू है कम मैग्नीट्यूड है Q है ना कितनी लाइंस आ रही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सिर्फ नाइन लाइन आ रही है इसमें से, है ना हाँ तो ये वाली बात है यहां पर फोर्टीन लाइंस निकल रही थी यहां पर नाइन लाइन्स वापस आ रही है तो मैग्नीट्यूड के ऊपर लाइंस डिपेंड करती है किसी में से ज्यादा लाइंस निकल रही है या फिर ज्यादा लाइंस वो एब्सॉर्ब कर रहा है तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ठीक है चलो भाई तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फील्ड लाइन्स होती है सिमेट्रिक होती है जैसा कि तुम देख रहे हो जितनी मैंने नीचे बनाई है वैसे ही वो ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं देखो यहां पे भी दिख रहा होगा तुम लोगों को जैसी लाइनें हम ऊपर बना रहे हैं वैसी ही लाइनें नीचे बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं मतलब कि जो लाइन होती है सिमेट्रिक होगी जैसी ऊपर होगी वैसी ही नीचे की तरफ भी होगी जैसी लाइनें ऊपर वैसी लाइनें नीचे होती है सिमेट्रिक होती है ठीक है तो ये वाला फिफ्थ पॉइंट क्लियर हुआ हमारा सिक्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगेन क्या कहता है डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डायग्राम दिख रहा है तुम्हें फील्ड लाइंस दिख रही है मैंने तीन पॉइंट मार्क किए वन टू थ्री फील्ड लाइन पास-पास कहां पे है डेंसिटी की बात कर रहा है डेंसिटी ज्यादा कब होती है जब चीजें पास-पास हो जाती हैं डेंसिटी कम मतलब चीजें दूर-दूर है यहां पे देखो वन पॉइंट पे लाइंस दूर-दूर है इस पे डेंसिटी कम है सेकंड पॉइंट पे देखो लाइंस थोड़ा सा पास आई डेंसिटी बढ़ गई थर्ड पॉइंट देखो लाइंस बहुत पास में है डेंसिटी बहुत ज्यादा है जहां पे पास पास जहां पे पे लाइंस पास पास होगी डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका ऑर्डर लिखना हो तो लिखोगे E3 पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर उसके बाद E2 पे है और सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वन पे सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां है वन पे है क्योंकि यहां पर लाइन्स दूर दूर है इंस अगर दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा लाइन्स अगर पास पास में है डेंस ज्यादा डेंस है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इंपॉर्टेंट है फोर्थ और सिक्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है यहां से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना वो यहीं से बनाते हैं ठीक है चलो क्लियर है ये वाला पार्ट बढ़े आगे ओके okay. आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं और प्रॉपर्टीज हमसे क्या कहती है फील्ड लाइन जो द सर्फिस ऑफ लाइन निकलती है तो कैसे निकलेगी रेडियली निकलेगी रेडियली निकलेगी? निकलेगी जैसे सपोज करो कोई चार्ज है फील्ड लाइन निकालनी है तो फील्ड लाइन हमेशा रेडियली निकलती है रेडियली मतलब एक रेडियस बना लो इसका रेडियली मतलब क्या होता है रेडियस बना लो इसका. सो so, ये ये देखो रेडियस ये बनाया मैंने तो फील्ड लाइन भी ऐसे निकलेगी रेडियली ये रेडियस बनाया मैंने यहां पे फील्ड लाइन भी रेडियली निकलेगी रेडियस बनाया मैंने हाँ पे ये फील्ड फील्ड लाइन लाइन हमेशा रेडियोली निकलती है अब वो निकले या फिर अंदर आए वो रेडियली आएगी रेडियली बोले तो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस रेडियली जो होता है वो हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो फील्ड लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ द चार्ज यानी कि जो फील्ड लाइन निकलती है या फिर आती है अगर पॉजिटिव चार्ज मानू मैं इसको तो फील्ड लाइन निकल रही है तो वो रेडियली रेडियली निकलेगी radially मतलब रेडियस बनाओ रेडियस बनाया तुमने और इसी को आगे एक्सटेंड कर दो रेडियस बनाओ और इसी को आगे एक्सटेंड कर दो ये होता है रेडियली ओके okay? तो अगर पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन निकलेगी तो रेडियली निकलती है और ये रेडियली निकलने का मतलब है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी ओके तो ये वाला पॉइंट अगेन सेवन इंपॉर्टेंट

ये बताता है कि अगर आप किसी चार्ज को यहां पे रखोगे तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा टेंजेंट ड्रॉ से करन्... क्या मतलब है कि अगर कोई चार्ज को यहां पे रखा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा अगर एक चार्ज यहां पे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा एक चार्ज यहां पे है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा एक चार्ज अगर यहां रख दो तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है और चार्जेस को लेके ये बात बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमेशा टेंजेंशियली जाएगा चार्ज जो है वो हमेशा टेंजेंशियली जाएगा यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे टेंजेंट ड्रॉ करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे टेंजेंट ड्रॉ करिए टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसका भी ठीक है एट पॉइंट क्लियर हो गया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन आ जाएंगे नहीं पॉसिबल है मैं एक अकेला हूं एक टाइम पे मैं एक ही डायरेक्शन में जा जा सकता 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 हूं हूं ऐसा नहीं नहीं हो मैं मैं इधर भी और इधर भी भी जाऊंगा जाऊंगा और ये पॉसिबल है तो एक मैं एक टाइम पे ही जगह इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि अगर उन्होंने किया तो एक सिंगल जगह पे एक सिंगल जगह पे उसकी दो दो डायरेक्शंस हो सकती है जो कि पॉसिबल नहीं है क्लियर रहेगी बातें क्लियर रहेगी पक्का चलो भाई चलो भाई तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं अगली प्रॉपर्टी जो हमसे कहता है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ टू सिमिलर चार्जेस फील्ड ऑफ लाइन ऑफ वन चार्ज कैन नेवर कैन गेट डेविएटेड क्योंकि देखो इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते है ना तो वो डेविएट हो जाते हैं फ्रॉम अदर द चार्ज जैसे कि तुम्हें दिख रहा हो होगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड लाइन बाहर निकली इसकी फील्ड लाइन बाहर निकली पर क्योंकि फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है तो वो क्या करी? एक पावरफुल आदमी है, है, है तो क्या होता है इनके इलाके डिफाइन कर रखे तू हमारे इलाके में नहीं आएगा तू हमारे इलाके में नहीं आएगा so ये एक दूसरे को डेविएट कर देते और यहां तक रहती है चीजें तो लाइन अगर आपके पास में दो चार्जेस है पॉजिटिव और पॉजिटिव की बात नहीं हूं मैं

नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कौन सी होती है या तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए ठीक तो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर पैरल नहीं है ये लाइन्स ना ही इक्वी स्पेस्ड है तो उस केस में ये कैसी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी सो पैरल फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कॉन्स्टेंट फील्ड कह सकते हो जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता था वैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर ये आपको ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड बताना है तो ऐसे स्ट्रेट और पैरल और, और equidistance. Equidistance मतलब ये डिस्टेंस बराबर बराबर रहेगा ठीक है पैरेलल और इक्विडिस्टेंस लाइंस रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म फील्ड को अच्छा जैसे कि यहां पे मैं तुमसे पूछूं एक्स और वाई पॉइंट है है ना एक्स और वाई पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे और वाई पे कहां पे ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए so मतलब तो एक्स और वाई कहां पर ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया दूसरे वाले के लिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने क्या बोला फील्ड लाइन अगर पास पास होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फील्ड लाइन दूर दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम एक्स पॉइंट देखो लाइन पास पास में है y पे देखो लाइंस दूर दूर है तो यहां पे क्या लिखोगे e x बड़ा है e y से सेकंड वाले केस में क्योंकि x में लाइंस जो है पास पास है y पे लाइंस दूर दूर है लाइन अगर पास में है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा लाइन से अगर दूर है तो मैग्नीट्यूड कम यूनिफॉर्म में सेम वैल्यू रहती है नॉन यूनिफॉर्म में चेंज हो जाती है क्लियर है चलो अगली प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी भी कंडक्टर से पास नहीं होती यानी कि कोई कंडक्टर अगर आपने लाके बीच में रख दिया फील्ड लाइन उस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगी वो यहां पे आके खत्म हो जाएगी फिर यहां से नई फील्ड लाइंस बनती है है ठीक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर कोई ऐसा मत बोलना कि ये फील्ड लाइंस जा रही थी कंडक्टर रखा तो भाई फील्ड लाइन ऐसे बीच बीच में घुस के ऐसे चली जाएगी आगे नॉट पॉसिबल ठीक है ऐसा नहीं होता है ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंडक्टर के पास भी चार्जेज है ना भले न्यूट्रल कंडक्टर ही सही उसके पास चार्जेस है तो जैसे आप फील्ड में रखोगे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ठीक है 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 कंडक्टर कंडक्टर के पास पास में चार्जेस न्यूट्रल यानी कि उसके पास जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्ज और जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो ये देखो नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी क्या है नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाती है तो देखो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेगी

तो ध्यान रखना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड और स्टार्ट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही थी वो परपेंडिकुलर बनेगी कंडक्टर के सरफेस पे जो फील्ड लाइंस आ रही थी वो परपेंडिकुलर आएगी और जो निकल के जा रही थी वो भी परपेंडिकुलर जाएगी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तुमसे जो पूछता है वो इसी टाइप से पूछेगा और ये चीज तुम्हें तो घुमा देगा तो ध्यान रखना किसी भी कंडक्टर की सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए चार्ज की तरह जैसे मैंने बोला था कि किसी भी चार्ज के सरफेस से किसी भी चार्ज के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है वैसे ही किसी कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस की याद रहेगी बातें ये सारी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये अगर आपको ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैंने बता दिया है प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पे कुछ डिफरेंट है लेट्स टॉक अबाउट द डाइपोल डाइपोल क्या है भाई डायपोल इज नथिंग बट दो चार्जेस जिनकी पोलैरिटी अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है दो चार्जेस जो अपोजिट नेचर के हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के हैं उनको पास पास में रख दो तो वो डायपोल बन जाता है जैसा ये डाइपोल है माइनस तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पास पास में लग दिया कि ये डाइपोल बन गया ये होता है यहां पे प्लस का क्यू चार्ज कर दिया तो क्या ये डाइपोल बना क्या ये डाइपोल बना नहीं ये डाइपोल नहीं है क्योंकि माइनस का टू क्यू चार्ज है ये प्लस का क्यू चार्ज है ये डाइपोल नहीं है डाइपोल के लिए दोनों को सेम होना पड़ेगा अच्छा तो ये चलो मैं माइनस का टू क्यू हटा देता हूं मैं माइनस का टू क्यू हटा देता हूं तो माइनस का क्यू और प्लस का क्यू क्या डाइपोल बन गया बिल्कुल अब ये डाइपोल बन गया तो डायपोल के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है दो चार्जेस जिनका नेचर अपोजिट होता है लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए इनको अगर पास पास रखा हुआ है तो ये डाइपोल कहलाता है क्या कहलाता है ये डायपोल कहलाता है

Separation between them. है, लो भाई, ये बन गया तुम्हारा क्या है नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ठीक है? अभी डायपोल मोमेंट जो होता है क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है तो ये है वेक्टर क्वांटिटी ओके स्टूडेंट्स ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है सो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी फिर अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी है तो डायपोल का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है ध्यान रखना इस बात का सो इट इज एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज चार्ज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेगेटिव का हो पॉजिटिव का हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों में से किसी का भी चार्ज कंसिडर कर लो मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ये हो गया डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू क्यू इंटू ट्वेल्व है ना पी इक्वल्स टू क्यू इंटू ट्वेल्व हो गया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन जो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज होती है जैसे कि मैंने डिफाइन कर दिया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अच्छा डायरेक्ट यूनिट की बात करें तो ये चार्ज है चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम हाँ सर चार्ज का यूनिट होता है कूलम तो पी इक्वल्स टू क्यू इंटू था फॉर्मूला ये कूलम और ये लेंथ लेंथ किस में होती है मीटर में होती है सो कूलम मीटर इज द

तो भाई डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आओ देखें। course, yes. तो सबसे पहला केस लेते so, हैं तुम लोगों को और डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजुअली कंप्लीट प्रोसेस देखोगे तो क्या करोगे इसको चार्ज नंबर वन बोलोगे इसको चार्ज नंबर टू बोलोगे चार्ज नंबर वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे चार्ज नंबर टू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और तो उनका वेक्टर रेडिएशन कर दोगे कंप्लीट प्रोसेस तो यही कहता है है ना कंप्लीट प्रोसेस तो हमारा यही कहता है बट क्योंकि अभी हम कंप्लीट प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं सो जस्ट इतना सा ध्यान रखो कि फॉर्मल टू के पी बायर पी क्या है डायपोल मोमेंट है पी क्या है यहां पे डायपोल मोमेंट है तो यहां पे मैं लिख देता हूं पी क्या है हमारे पास में डायपोल मोमेंट पी है हमारा डायपोल मोमेंट पी क्या होता है इनका मैग्नीट्यूड ऑफ़ द चार्ज कितना है? चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा so तो तो एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो 2KP R³. और हाँ मैंने क्या बोला था डायपोल के बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है तो जो आर है वो बहुत बड़ा होगा किसी एल से डायपोल के बीच का सेपरेशन एल प्लस एल टू एल बहुत छोटा होता है इसीलिए जो आर है वो बहुत बड़ा होगा एल से आर क्या है डायपोल के सेंटर से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस क्वेश्चन आर है और ये आर बहुत बड़ा होता है डाइपोल के बीच के सेपरेशन से आर बहुत बड़ा होता है डाइपोल के बीच के सेपरेशन से फॉर्मुला टू के पी बाई आर क्यूब का वैल्यू पता ही है ना हाँ ये वो के पॉवर नाइन नहीं पता है तो लिख लो पता है तो बहुत बढ़िया चलिए भाई क्लियर है बड़े आगे अच्छा ये तो हुआ एक्सिस पे देख देखना डाइपोल के ही एक्सिस पे पॉइंट पी है डाइपोल के अगर परपेंडिकुलर पे अगर कोई पॉइंट पी आ जाए तो जिसको कि हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं

तो आप क्या करोगे E1 को फाइन करोगे को करोगे, इनका वैक्टर एडिशन कर दो ठीक है या फिर एक और काम करो कॉम्पोनेंट करके भी सोल्व कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें जैसा सोल्व करना है है ना वो तुमने किया भी होगा डेरिवेशन वाला पार्ट स्टिल अगर किसी को लगता है डेरिवेशन तो कोई बात नहीं उसको भी हम क्लियर करवा देंगे डोंट वरी ओके सो ई वन साइन sin थीटा और कॉस्ट थीटा कंपोनेंट कॉम्पोनेट इतना वो उसको एड ऑन करते हैं उसके बाद आंसर आता है बट क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं वन शॉट रिविजन है तो जस्ट फोकस करते फॉर्मुला की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो पहला फॉर्मुला मिला एक्सियल पोजिशन पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया तो पहला फॉर्मुला मिला एक्सियल पोजिशन पे और एक्सिस पे क्या है okay? so फॉर्मूला टू के पी बाय आर क्यूब और दूसरा हमें मिला कहा इक्वेटोरियल पोजिशन पे फॉर्मूला क्या है के पी बाय आर क्यूब बस ये बात ध्यान रखो के लिए के पी बाय आर क्यूब ध्यान रखो इन चीजों का ध्यान रहेगी अब यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हम सब जानते हैं ना तो भाई वेक्टर फॉर्म भी डिफाइन कर लो रहा हूं कुछ बड़ी बात नहीं है तुमने देखा होगा कि अगर हम एक्सिस पे डिफाइन करते हैं की वजह से तो ये डायपोल में बना रहे यहां पे है ना डायपोल है और एक्सिस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं तो वो इस डायरेक्शन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा और इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा पॉइंट को लेकर कंफ्यूज मत होना इसलिए मैं इसको नाम ए दे देता हूं इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं तो ई e ए मिलता है डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ये कहां हुआ एक्सियल के केस में ये कहां हुआ एक्सियल के केस में दूसरा कहां आता है इक्वेटोरियल के केस में इक्वेटोरियल so, में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल में कैसे डिफरेंस डिफाइन करोगे ये हमारा नेगेटिव वाला चार्ज ये हमारा पॉजिटिव वाला चार्ज और यहां से ये पॉइंट ए था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट कैसे होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बन रहा था इधर की तरफ तो अगर हम

पी बाईआर की वही बात जो पहले कर रहे थे बस एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगा दिया है क्योंकि यहां पे देख लो डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बस इसीलिए लगाया ठीक है बढ़े आगे चलो आ, आ फॉर्मुला जनरल फॉर्मूला दोनों केसेस को क्लियर करवा देता है जनरल फॉर्मुला क्या है अब मैं एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहा हूं ना तो वो एक्सिस पे है ना ही वो इक्वेटोरियल है वो कहीं बीच में है अभी का केस क्या था पहला केस एक्सिस वाला था पॉइंट जो था वो एक्सिस पे था दूसरा केस इक्वेटोरियल था पॉइंट हमारा पे था। लेकिन ना तो इस हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मला लेते हैं और क्या बोलते हैं जो डायपोल मोमेंट है माइनस क्यू से लेके प्लस के क्यू तक जा रहा है इधर की तरफ चलो इस डायपोल मोमेंट के कॉम्पोनेट कर लो ये मान लीजिए ये पॉइंट पी से लाइन बनाई और एंगल बना

P cos theta इधर जा रहा है क्या P cos theta के एक्सिस पे ही पॉइंट P है अरे क्या बात है अच्छा P को लेके कंफ्यूज मत होना ठीक है मुझे पता है तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है तो इसको मैं नाम दे देता हूं दे A पॉइंट इसको मैंने नाम दे दिया A पॉइंट P P से कंफ्यूज हो जाते हो ना P डाइपोल मोमेंट का है A पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है P cos theta के एक्सिस पे ये पॉइंट A लाई कर रहा है यानी कि P cos theta के लिए तो

साइन थीटा के पे लाई कर रहा है क्या ए पॉइंट देख लो भाई पी साइन इक्वेटोरियल जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे अपॉन आर क्यूब वहां पे हम P लिखते थे वहां पे हम P लिखते थे इस बार P साइन थीटा के परपेंडिकुलर है तो यहां पे लिखोगे P साइन थीटा पहले वाले केसेस में क्या था P के परपेंडिकुलर था

टू के पी कॉस और के पी साइन थीटा बाई ले लेना है तो क्लियर हाँ, है डायपोल मोमेंट की पिक्चर क्लियर है डायपोल मोमेंट में कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो नहीं है ना बढ़ सकते आगे चलो आगे बढ़ते हैं. अगला बात आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा अलग टर्म से डिफाइन करते हैं कहते हैं कि भाई किसी भी पॉइंट अगर आपको फील्ड पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो आप क्या करो? किसी दूर दराज के से यानी कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर मतलब समझ नहीं है? oh, दिलाते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ये रेफरेंस पॉइंट कहां लेते, है? लेते हैं रेफरेंस पॉइंट हम जनरली पोटेंशियल कुछ मजा सा नहीं है ना पिक्चर देखते हैं ये कोई चार्ज है आपके पास में दिख रहा है क्यू चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला हुआ ठीक है।, है ये कोई क्यू चार्ज है।, है? है इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला हुआ है

तो एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं हम लोग उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक ले जाते हैं अच्छा टेस्ट चार्ज आप लेते हो वो पॉजिटिव होता था याद है टेस्ट चार्ज जो आप लेते थे वो पॉजिटिव होता था अब वो पॉजिटिव चार्ज को अगर आप ले जाते हो पी पॉइंट पे तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर भगाएगा लेकिन आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे आप अपनी तरफ से वर्क करोगे और इसको पॉइंट पी तक ले जाने की कोशिश करोगे आपने क्या किया आपने वर्क करा इंफिनिटी से पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी की तरफ लेके जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाता है लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहे हो तो यही बात है फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट जो कि हैं टू दैट पॉइंट तो क्या है पोटेंशियल तो yeah, होता है यह होता है पोटेंशियल एक्चुअली फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है ना पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होती है पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है बट क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है इनफाइनाइट है तो एक पॉइंट लिखना यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है इक्वल टू जीरो जो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा इन्फाइनाइट उस पर पोटेंशियल जीरो होता है तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है हम लिखते हैं वीपी माइनस वी रेफरेंस है ना फाइनली आप कहां पे आए पी पॉइंट पे आए चलना कहां से शुरू किया था infinite से। infinite से चलना शुरू करा पी पॉइंट पे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं फिजिक्स में पोटेंशियल जैसी चीजें नहीं होती पोटेंशियल डिफरेंस होता है सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें डिफाइन करना है तो वो क्या है वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट जो कि हम इनफाइनाइट लेते हैं रेफरेंस पॉइंट से लेके उस पॉइंट पी तक ले जाने के लिए वर्क कर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे वर्क किया सो वीपी माइनस वी इन्फाइनाइट इक्व टू डब्ल्यू बाई क्यू इनफाइनाइट जो रेफरेंस पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल जीरो होता है तो ये बन जाएगा वीपी माइनस जीरोब्ल्यू बाई क्यू तो यहां से बनता है पी पॉइंट का फॉर्मुला यहां से बन जाता है पी पॉइंट का फॉर्मला नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूं क्या हो रहा है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है यहां पर ठीक है अब पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है इसको दूर भगाएगा लेकिन हमारा काम क्या है हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएंगे और पी पॉइंट पे ले जाके रख देंगे

वर्क डन पड़ा है पॉजिटिव वर्क होता है नेगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क होता है, है ना तो कैसा वर्क डन है वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा और दूसरी चीज चार्ज कौन सा है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव का क्यों लिखोगे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का क्यों लिखोगे क्लियर रहेगी बातें भाई पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज देखो फॉर्मले में डब्ल्यू बाई क्यू डन स्केलर क्वांटिटी चार्ज स्केलर क्वांटिटी स्केलर अपॉन स्केलर ये भी स्केलर हो गया वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है वो इसलिए हो सकती है क्योंकि हम चार्ज देखते तो 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 डिफाइन कर रही है डन है पॉजिटिव डन है या नेगेटिव डन है वो उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं डन की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम सो जूल पर कूलम इज आंसर यूनिट फॉर सो यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर कूलम भाई इलेक्ट्रिक आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट लाइन और सबसे ज्यादा भी यही है इलेक्ट्रिक आल्सो इक्वल टू वर्क किया चार्ज को पॉइंट पी पे लाने के लिए तुमने वर्क किया चार्ज को पॉइंट पी पे लाने के लिए यानी कि तुमने फोर्स कहां लगाया इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया इस पे ऐसे ये हमारा फोर्स है हमने लगाया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगा रही थी पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक so, फील्ड का फोर्स पीछे लग रहा है अच्छा एक बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर डिफाइन करें यहां पे तो कितना होगा चार्ज इधर की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स इधर है नेगेटिव वर्क होता है ना वो सो so, वर्डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफाइन करें तो नेगेटिव हो जाएगा वो बोलो भाई बोलो हाँ, नेगेटिव क्यों बोल रहे हो क्योंकि ऑलरेडी देखो ना डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है।, है तो वो तो एफ एस तो का साइन इसलिए इलेक्ट्रिक आल्सो इक्वल टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड करिए उसका नेगेटिव ठीक है तो जो वर्क आप कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है क्या बोले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज आ गई ना चलो भाई क्लियर करते आ मैं कह रहा हूं कि जो वर्क हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोजिट वर्क किया ये नेगेटिव है, है, है तो मेरा डन तो पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है बट डिस्प्लेसमेंट अभी भी इधर ही हो रहा है याद है ऐसा होता था एक बॉक्स लेते थे हमें क्लास इलेवंथ की बातें रिकॉल करवा रहा हूं इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर हमारा फोर्स लग रहा है तो वकडन कैसा होता था नेगेटिव डिग्री डिग्री याद है यहां डिग्री का एंगल बनता था सो यो वक्न कमसॉर्ट भी एफ एस कॉस वन एटी डिग्री और कॉस वन एटी डिग्री बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है माइनस का होता है सो यो वक्डन कमसॉर्ट भी नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी यही पिक्चर है चार्ज को तुम लेके आ रहे हो आगे फील्ड लग रही है पीछे तो भाई दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वकडन है वो नेगेटिव है और तुम्हारी वजह से वर्कडन जो है वो पॉजिटिव है इसलिए तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा वकडन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वकडन के नेगेटिव में हो जाएगा समझ है ना अरे तुम्हारा वकडन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वकडन के नेगेटिव हो जाएगा यही बात यहां लिखी है सेम बात यहां लिखी है बस थोड़ा अलग अंदाज है तो कंफ्यूज मत हो और किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते लोग है, है, है।, so, है वर्क डन बात होगी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था उससे पॉइंट पी तक लेके जाना था अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में करवाना पड़ेगा तुम लोगों को अल्टीमेटली लेके तो इधर ही जाना है तुम फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा है पीछे की तरफ

आएगा भी ये भी ये क्वेश्चन सॉल्विंग में, सिंगल पॉइंट yeah, के लिए लिए कैसे डिफाइन तो उसके लिए बनता है क्या हमारा nine. तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें लेना करो. So ये बनता है पोटेंशियल का फॉर्मुला एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज

पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की अब यार ऐसा हो जाए कि अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई डिफरेंस uh, कितना होता है ना अगर कोई तुमसे बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना यहां पे एक चीज ऐड कर लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि पोटेंशियल जैसा कुछ नहीं होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कैसे निकालते हैं

जैसे कि हम इनफाइनाइट के लिए कर रहे थे मैंने तुम्हें पहले करके बताया था मैंने पहले ही कहा था पोटेंशियल जैसी चीजें नहीं होती है पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो फिर हमने पी का पोटेंशियल कैसे निकाला था याद करो मैंने बोला था पी का कोई पोटेंशियल नहीं है हम बोलते थे Vp माइनस वी इन्फाइनाइट ऐसे करके लिखा था ना हमने यही चीज डिफाइन करो मैं अब पहले तो हम इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में कर रहे थे अभी दो अलग अलग पॉइंट आ जाए और इन दोनों अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने तो क्या करोगे P का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो Q पे पोटेंशियल कर कर करते थे लेकिन सपोज करो अब तुम्हें P से Q के ऊपर जाना है फिर क्या करोगे P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने तो क्या करो VQ क्यू माइनस वी कर दो डिफरेंस निकालना आता है बचपन से जानते निकालना पहले P और

चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है तो आपने W वर्क किया था तो वी बी माइनस वी एस बाई क्यू होता था है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कैसे लगेगी फोर्स लगा देगी की लेकिन तुम अपनी मेहनत करो इसके फोर्स लगाओ इधर लेके जाओ तो यहां से वगडन कैसे डिफाइन करोगे Q इन टू वी बी माइनस वी ए करके वगडन कैसे डिफाइन करोगे Q इन टू वी बी माइनस वी ए करकेट्स इट बस इतना से बात हो गया यही है कुछ भी नहीं है मैं बार बार बोल रहा हूं पोटेंशियल इतना है, आसान चीज है, ना बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है है बट ट्रस्ट मी गाइस बहुत सिंपल एनीवेज तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म आता है अब तुमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया तुमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया वर्क डन भी डिफाइन कर दिया नाउ द टाइम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और याद करो क्लास इलेवन का वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर जहां पे वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बताया था वही रिलेशन यहां पर यूज करते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम रेफरेंस टू दैट पॉइंट वर्क किया था ना तुमने क्या किया था वर्क हा मैं बताता हूं ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस का क्यों इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ऐसे ठीक है ये कोई पॉइंट पी है जहां पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करता हूं यूपी से डिनोट कर देता हूं इसको कैसे डिफाइन करते थे पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते थे पहले पोटेंशियल की बात करते हैं हैं ना यूपी की की बात 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 करेंगे पहले वीपी करते करते पोटेंशियल कैसे डिफाइन थे ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है इनफाइनाइट इनफाइनाइट से किसी चार्ज को आप लेके आते थे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो कुछ वर्क करते थे हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप किसी चीज पर वर्क करते हो ना तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है यूजुअली अपने घर पे कैसा होता है कि मम्मी हमें बोलती है कि भाई ये कपड़े की बाल्टी है ये छत पे जाकर रख तो देना कपड़े सुखाने छत पे तो तुम लोगों को बोला जाता है कि बाल्टी उठा के छत पे रख दो तो तुमने बाल्टी को उठाया उठा के तुम सीढ़ियां चढ़े और तुम गए छत पे तुमने हाइट अटेन करी है कुछ है ना बाल्टी उठाई और एच हाइट तक ऊपर चढ़े बाल्टी का मास M था बाल्टी के ऊपर ग्रेविटी एम जी लग रही थी तुमने बाल्टी को जी के बराबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो फोर्स आप लगाते हो मिनिमम फोर्स एम जी लगाओगे तो चल जाएगा काम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मिनिमम फोर्स एम मि जी लगाओगे तो चल जाएगा ठीक है तो आपने फोर्स लगाया एम जी ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए तो ये तुम्हारा जो वर्क डन तुमने जो बाल्टी के ऊपर वर्क डन किया कितना होगा जो वकडन हमने बाल्टी पे किया वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क मैंने बाल्टी के ऊपर किया वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना लगाया मैंने मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया H मैंने किया के बराबर वर्क है बाल्टी के ऊपर मैंने बाल्टी के ऊपर काम कितना किया एमजीएच बाल्टी के ऊपर काम करके मैंने बाल्टी को रख दिया ऊपर अब बताओ बाल्टी के पास क्या पोटेंशियल एनर्जी आ गई बाल्टी के ऊपर आपने वर्क किया बाल्टी को ऊपर ले जाके रखा जैसे आप इसको ऊपर लेके गए ये बकेट हाइट पे आ चुकी है हाइट पे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है एंड दैट पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी विल बी टू रिमेंबर तो ये एनर्जी आई कहां से इसके पास इसके पास, पास खुद से एनर्जी कैसे आ सकती है हम तो अब जानते हैं कि भाई एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो इस बकेट के पास एनर्जी आई कहां से तो जो आपने वर्क किया बकेट के ऊपर वो इसके अंदर स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो ध्यान रखना किसी भी ऑब्जेक्ट तो तो इंफानेट से पॉइंट पी तक लेके आओगे तो आपने चार्ज के ऊपर वर्क किया जो वर्क आपने चार्ज के ऊपर किया वो चार्ज के अंदर स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी जिसे को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे अभी बात समझ आई कि, कि किसी भी चार्ज को अगर आप इंफानेट से पॉइंट पी तक लेके आते हो तो आप वर्क करते हो और जब आप किसी चार्ज के ऊपर वर्क करोगे तो उसके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसा इस बकेट के साथ हुआ था इस बकेट को उठाने के लिए आपने वर्क किया छत पे लेके गए एच हाइट पे ले जाके रखा तो आपने तो वर्क किया वो वर्क उसके पास स्टोर हो गया देख लो जो वर्क आपने किया था एमजीएच था जो एनर्जी स्टोर हुई वो भी एमजीएच है यानी कि जो वर्क आपने किया वो उसके पास स्टोर हो गया जाके है ना तो यही बात यहां पे भी चल रही है यही बात यहां पे भी चल रही है उपर, इस के ऊपर इस चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने के लिए ऊपर जो हमने वर्क करा वो सारा का सारा वर्क इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गया वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई है इलेक्ट्रोसेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन टेकिंग जाने के लिए उस पॉइंट तक रेफरेंस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जो भी आपने वर्क करा वो सबका सब उस चार्ज के अंदर स्टोर हो गया इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है

इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीवल्स टू क्यू इंटू डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो potential energy मिल जाएगी। तो ये लो भाई Q into v वाला। अब energy है energy तो है, तो scalar quantity है। भाई तो तो होती अब वो का डिपेंड करता है कि वर्क कैसा है चार्ज कैसा है ठीक है समझो ना स्केलर क्वांटिटी तो है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है वो वो किन चीजों पे डिपेंड डिपेंड करती करती है वो depend करती है चार्ज पे वर्क डन कैसा वाला हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फर्दर बाकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है वहां ठीक है तो ये मत बोलना कि नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है वो वैक्टर वाली पिक्चर नहीं चलेगी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है हाँ स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो इसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है ये पॉजिटिव और नेगेटिव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है चार्ज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को दैट्स इट यूनिट सेम रहेगी जो एनर्जी की होती है और यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो एनर्जी की यूनिट होती है वो ईवी के फॉर्म में होती है अब ये ईवी जो होता है, है वो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन जूल के बराबर होता है तो ये बात ध्यान रखना वन ईवी जो होता है 10 की 19 जूल के बराबर है इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये कभी भी क्वेश्चन आएगा ईवी के फॉर्म में आंसर दे सकता है वो या फिर जो फॉर्मेट आपको देगा वो ईवी के फॉर्म में होगा तो आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो जूल से ईवी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग ठीक है यहां पर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो पूछ सकते हो तुम पता तुम्हें काम है है तुम्हें पूछना ना चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड लेट सी द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन भी फाइंड करना पड़ेगा हा कैसे फाइंड करें तो दो के साथ सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था मतलब बराबर बराबर मतलब बराबर बराबर लाइन को बनाएंगे हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए अगर मैं दो पॉइंट मान लू ये पॉइंट मेरा ए हो जाएगा ये पॉइंट मेरा बी हो जाएगा तो यहां पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताना है तो कैसे बताएंगे रिलेशन आओ देखते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है कुछ भी मान लो ए बी की फॉर्म में रह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो कि हमारे यूनिफॉर्म है यानी कि कॉन्सेंट है अब ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज टू हो जाता है ई डॉट ए बी के बराबर ए बी के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए डी है तो यहां पे मैं लिखता हूं e तो लिख रखा है आप लिखते हो तो एक बात बता दो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है अब समय आ चुका उसको बताने का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से अब देखो पोटेंशियल पढ़ा दिया ना मैंने तुम लोगों को तो अब तुम्हें पता हो पोटेंशियल के बारे में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है यानी कि अगर ए और बी में देखें तो कौन हायर पोटेंशियल पे ए हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा

VA -VB तो कोई जरूरत नहीं है भाई ठीक है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास रिलेशन आता है VA -VB ए दी। दी क्या है इज द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, बी सेपरेशन है डी हमारा ए और बी के बीच का सेपरेशन क्या है 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 क्लियर बढ़े आगे आओ भाई आगे चले इसके बाद में अगर मैं तुमसे बोलूं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए फिर क्या करोगे

छोटा सा डिस्टेंस, बड़ा सेपरेशन था तो आपने कर था। मत और आर जो अच्छा वो ले सकते हो लेकिन जब आप लेते हो ना, तो उसको डी वाई डी जेड डी आर है ना अगर ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो यानी कि स्मॉल टर्म्स के लिए लिखते हो आप स्मॉल वैल्यूज को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो यहां पे अगर ए और बी के बीच का सेपरेशन आर है अगर A और बी के बीच का सेपरेशन आर है तो यहां पर छोटा सा सेपरेशन। एलिमेंट लिया ना तो बड़ा डिफरेंस तो हो नहीं सकता हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया था वी ए माइनस छोटा सा डिफरेंस है तो छोटा सा ही हम डीवी लेंगे तो यहां पे डिफाइन करो उसको डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर हां माइनस का साइन लगा लेना क्योंकि तुम बी से ए पे जा रहे हो इस बार बी से ए तक जाओगे तो डेफिनेटली हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे माइनस ए डॉट डी आर करके ठीक है तो स्मॉल डिफरेंस के लिए dv लिखोगे बड़े डिफरेंस के लिए डेल्टा v आ जाएगा यहां पे और हो जाएगा माइनस ई डॉट आर ये यूनिफॉर्म के लिए है ना और ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए

एंड लेट्स सी एक और रिलेशन छोटा सा ठीक है ये तो बात हुई अगर वन डायमेंशन की बात होगी अच्छा सपोज करो थ्री डायमेंशन आ जाए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है भाई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कहीं भी जा सकता है तो अगर ऐसा कुछ सीनारी आ जाए फिर क्या करोगे सो इन कार्डिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो कैसे होता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है यार एक्स एक्सेस वाई एक्स एक्सेस कहीं भी जा सकता है तो उसके हिसाब से आपको पोजिशन भी लेना पड़ेगा

y एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को z uh, j कैप लेते थे और z की डायरेक्शन को हम k कैप लेते थे चलो भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड है यार वेक्टर क्वांटिटी है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है है ना अब तो बड़े हो गए थ्री डायमेंशन पढ़ना आता है सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया e x i कैप e y j कैप एंड e z k कैप सिमिलरली so, मैंने पोजीशन भी डिफाइन कर दी फिर सपोज करो भाई कोई जगह पॉइंट डिफाइन कर देते ऐसे ठीक है ये हमारा पॉइंट डिफाइन कर दिया मैंने यहां पे अभी पॉइंट है तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ना पोजीशन वेक्टर तो क्या होगा एक्स सपोज करो इसके कॉर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसके कॉर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो भाई पोजिशन वेक्टर बना दो इसका तो पोजिशन वेक्टर कैसे बनेगा ओरिजिन से लेके आर तक पोजिशन वैक्टर टू एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो तो पोजिशन वेक्टर बन गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये पोजिशन वैक्टर ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखिए माइनस का ई डॉट डी आर था डीवी जो था माइनस का ई डॉट डी आर था तो आर की जगह डी आर चाहिए डिफरेंशियट कर दो तो, बन गया सिर्फ डिफरेंशियन किया अच्छा चलो भाई ठीक है यहां पे ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए अब क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उठा के पुट कर दो यहां पर डी पे माइनस का माइनस का साइन माइनस का साइन इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कैप 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 डॉट यहां पर डॉट प्रोडक्ट डी की जगह डीएक्स आई कैप डी वाई जे कैप डीट के दो तीनों तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा क्या बनाइए डॉट प्रोडक्ट की पिक्चर याद है i कैप वाला i कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे j कैप वाला j कैप के साथ मल्टीप्लाई करेगा और k कैप वाला k कैप के साथ मल्टीप्लाई करेगा ऐसा पता है ना डॉट प्रोडक्ट में तो dx और ex तो ex dx dy ey ey dy dz और ez ez dz ये है भाई 3 डायमेंशन फॉर्म में अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ ऐसी दे दी जाए जिसमें x एक एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक्सिस डिफाइन करते तो ये करोगे अगर दो ही एक्सिस डिफाइन करेगा तो अगर दो ही एक्सेस में डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सपोज करो ई एक्स आई कैप प्लस वाई जी ऐसे बोला तो कोई बात नहीं जेड वाले को हटा दो उसमें से तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा क्वेश्चन करोगे सब क्लियर होगा क्वेश्चन जब करोगे ना तो ऑटोमेटिकली थॉट आएगा कि भाई क्या करना है यहां पे एक्चुअली ठीक है तो उसके लिए परेशान मत हो एक्चुअली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूसरा रिलेशन देता है बट उसको मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी जो जो चीजें यहां पे पढ़ाई मैंने वो सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ये जो रिलेशन है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है माइनस का डीवी बाई डी ठीक है ये रिलेशन आया अरे dv को जब लिखा माइनस का E e.dr तो यहां से क्या ऐसे लिख सकता हूं e -dv/dr अब वही बात है तीनों एक्सिस पे दे रखा है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पे दे रखा है तो e अलोंग द x एक्सिस जब लिखोगे तो लिखोगे -dv/dx वेक्टर फॉर्म में लिखोगे लो भाई i कैप लगा देना y के अलोंग लिखोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को तो माइनस का dv/dy कर देना

ठीक है अगर इंडिविजुअली लिखना है अलग अलग के लिए अगर आपको लिखना है जैसे एक्स एक्सिस के लिए अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी वाई के लिए अलग से लिखनी थी तो वो मैंने तुम्हें बता दिया लेकिन सपोज करो तीनों को एक साथ मिला के लिखना है कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसमें तीनों साथ में लिखना है तो क्या लिखोगे माइनस का ये डी था ये डेल है डी और डेल में क्या अंतर होता है डी का मतलब सिंपल डेरिवेटिव है लेकिन डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है अगर सपोज करो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई वी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन जेड V equals to XY upon z, और तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या है तो भाई देखो x भी 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 है z भी है 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 y z अगर तुम्हें v equals to XY upon z, और मांगता तो क्या बोलोगे देखो भाई यानी कि तीनों वाली लगानी पड़ेगी मुझे तीनों वाली यही है तो ऐसे केस में जब आप डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव जब आप x का पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो y और z को कांस्टेंट रख देना छूना मत उसको बिल्कुल भी जब आप y का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो x और z को कांस्टेंट रख देना छूने की कोई जरूरत नहीं है जब आप z का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x और y को कांस्टेंट रख देना छूने की कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है जब हम इसको करते हैं तो x और y को हम जैसे x का करा तो y और z को भी कुछ कंसीडर करके सॉल्व करते हैं ना पार्शियल में ऐसा कुछ नहीं है पार्शियल में उसको छूना भी मत बाहर फेंक देना ले जाके तो ध्यान रखो यहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल डायपोल की बात करें तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट कुछ पार्ट बचा हुआ है का ठीक है तो फटाफट -फड़ से देख लेते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू तो वही पुरानी बात के बारे में जानते हैं एक एक नेगेटिव चार्ज चार्ज पॉजिटिव मोमेंट होता है इसमें क्या डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफाइन कर दिया था लेकिन पोटेंशियल भी डिफाइन करना पड़ेगा एक्सिस पे अलग फॉर्मला है केपी बाय बाईआर क्यूब का और फिर से वही कंडीशन जो सेंटर से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस था वो बहुत बड़ा होना चाहिए डायपोल के बीच के सेपरेशन के डायपोल में जो जो चार्जेस थे उनके बीच के सेपरेशन से तो कंडीशन लगाओगे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से एक्सिल पॉइंट पे पोटेंशियल uh, मिल जाएगा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था एक्सल पे ई e एक्सिस पे हमने डिफाइन किया था तो क्या लिखा था टू के पी बाय आर क्यूब है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये पोटेंशियल था तो इस बात का ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है कैसे फाइंड करते हैं ये वही बात आ गई कि एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे एक नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो दोनों को ऐड कर देंगे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा एक्सियल पोजिशन पे हो गया अब अगला बात है इक्वेटोरियल पोजिशन पे इक्वेटोरियल पोजिशन पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट विल बी लाइक जीरो कैसे करेंगे फिर से वही बात

अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका भी सेम डिस्टेंस सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल का फॉर्मुला के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा प्लस का के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर है ना ये प्लस का हो गया नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस का हो गया ये माइनस so के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर तो नेट पोटेंशियल कैसा ना नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा माइनस का केक्यू अपॉन अंडर रूट में आर और ये प्लस का के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जो होगा जीरो होगा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बाय uh, क्यूब है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी चलो भाई बहुत बढ़िया ये सारी बातें क्लियर हुई इसके बाद एक और पॉइंट बचता है वो है जनरल पॉइंट पे अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड की थी जनरल पोजिशन पे तो पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे जनरल याद रखो इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए

ये बनेगा फाइनल आंसर, ओके? तो तो से रिलेटेड कुछ और छोटी मोटी बातें हैं फटाफट से क्लियर करते हैं, फिर एंड करेंगे सेशन को क्या है डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं फिर से बोलूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हो तो उसके ऊपर लगता है क्या फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा है ना हाँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फोर्स लगा यहां पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स पॉजिटिव वाला लग गया कितना बोलेंगे प्लस का QE. ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा कितना माइनस का क्यू ई तो नेट फोर्स कितना लगेगा किसी भी डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स लगेगा एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना बोलेंगे प्लस का क्यू और यहां पे ये माइनस का क्यू आंसर कम्स आउट बी जीरो यानी कि किसी भी डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो है जब उसको मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स जीरो होता है लेकिन इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन लेकिन इन फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से ये कपल की तरह बिहेव करते हैं कपल समझते ना ऐसा फोर्स जो कि सेम मैग्नीट्यूड के है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है और इनकी वजह से आता है टॉर्क इनकी वजह से आता है टॉर्क टॉर्क कैसे डिफाइन करते हो फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ठीक है टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन के बीच का सेपरेशन और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क मिल जाएगा फोर्स कितना था क्यू ये देखो डायपोल के बीच का सेपरेशन अगर d है तो ये बन जाएगा कितना d साइन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं थीटा क्या बोलेंगे इसको थीटा समझ लो ना बात को तुम लोग चलो तो ये हुआ हमारा पार्ट क्लियर यहां पे तो डायपोल पे क्या लगता है टॉर्क लगता है कितना टॉर्क लगेगा टॉर्क जो लगेगा वो है क्यू इंटू डी थीटा क्यू ई फोर्स लग रहा है डी थीटा लाइन ऑफ एक्शन के बीच का फोर्स डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस है डी थीटा तो लिख दिया डी थीटा अच्छा एक बात देखो क्यू इंटू डी क्यू इंटू डी

वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर तो टॉर्क एक वक्टर क्वानिटी हमारे पास ठीक है क्लियर है ये याद रखना, P e है है. अब यार सी बात टॉर्क का कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए तो जैसे डाइपोल को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये अपने को अलाइन करेगा रोटेट करेगा और रोटेट करके अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके आ जाएगा ऐसे

इस पे कुछ वर्क करो इसको रोटेट कराने के लिए अब हम क्या करेंगे इसको फिर से रोटेट कराने के लिए कुछ वर्क करेंगे इसके ऊपर जब आप डाइपोल के ऊपर वर्क करते हो इसको रोटेट कराने के लिए उस में क्या होता है उस केस में क्या होता है इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जब आप इसके ऊपर वर्क करते हो इसको रोटेट कराने के लिए तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है विच वी कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखा था डाइपोल ने अपने आप को अलाइन कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और अभी वो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आ गया था अब आपने क्या किया इसको इक्विलिब्रियम पोजिशन से डिस्टर्ब किया फिर से इसको इक्विलिब्रियम पोजिशन से डिस्टर्ब किया इसके ऊपर वर्क किया जिससे ऊपर की तरफ उठ गया फिर से ना पोजीशन डिस्टर्ब होगी ना उसकी तो आपने वर्क किया तो भाई तुम्हारा जो वर्क था वो सारा इसके पास स्टोर होगा किस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस करते हो तो कुछ वर्क करना पड़ता है जो भी वर्क आप करोगे वो स्टोर होगा इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मुला पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पीई कॉस थीटा होता है थीटा वो यानी कि आपने कितना इसको रोटेट किया है थीटा एंगल बताएगा कितना एंगल आपने इसको रोटेट किया है जैसे कि यहां पे देखो ये हमारी पहली पोजीशन है ये हमारी दूसरी पोजीशन है पहली पोजीशन में हमने थीटा वन रोटेट किया तो पहली पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो आएगा माइनस पीई कॉस थीटा वन ये हमारी सेकंड पोजीशन है एंगल कितना बनाया थीटा टू तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितने आ जाएगा माइनस ए... थोड़ा सा पीछे से लिख देते हैं थीटा टू ठीक है करके पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते इलेक्ट्रिक तो फील्ड की डायरेक्शन में. में लेकिन तुमने इसको फिर से डिस्टर्ब किया इसको डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ तुमने इसको घुमाया थीटा वन एंगल पर रोटेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कितनी माइनस पीई कॉस थीटा वन और ज्यादा रोटेट किया आपने इसको ये आप कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको वापस लाना चाहता है लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो आप क्या कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो तो यहां पे कितना वर्क किया आपने जो भी वर्क किया वो सारे इसके पास स्टोर हो गया तो यह आंसर आएगा माइनस पीई कॉस्टिटा तो माइनस का पीई कॉस्टिटा इज द स्टैंडर्ड फॉर्मुला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है वैसे तो डिटेल है इसका कि पहले वर्कडन फाइंड आउट करते हैं उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं बट जैसा कि मैं कह रहा हूं रिविजन है फटाफट से फॉर्मला देखेंगे और चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है है समझ गए चलिए भाई तो ये X के अलावा एक और चीज कि डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और ऊपर ले जाके आपने वर्क किया ना इसको छोड़ दो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए छोड़ दिया एसएचएम करता है ये ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है चलो और जल्दी से बता देता हूं फॉर्मला इसका किसी भी डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है कि वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए और तुम क्या करोगे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर वर्क करोगे और ऊपर लाके इसको छोड़ दो तो डाइपोल क्या करेगा ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा ठीक है थीके? समझो ऐसे करके दिख रहा है तुम्हें हाँ बिल्कुल अब जब ऑसिलेशन होगा

I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ध्यान रखना डाइपोल के लिए डिफाइन करना पड़ेगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां ठीक है डाइपोल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे आई से और ये पी क्या है डायपोल मोमेंट है ई e क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम यहां पे अज्यूम कर रहे थे तो अगेन दो फॉर्मलेट जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है तो इनको नोट करके चलेंगे क्लियर तो ये बातें थी कुछ एक्स्ट्रा बातें जो डाइपोल से रिलेटेड होती है कभी कभार क्वेश्चन डाइपोल से आता है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है तो यहाँ पे फाइनली हमने जो वन शॉर्ट रिविजन हो गया बट क्या करें चैप्टर भी तो बड़ा है यार ठीक है तो रिवीजन हुआ कंप्लीट अब इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वाला पार्ट तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिर ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू और फाइनली फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पाएंगे ठीक है तो यहां पे रिवीजन हुआ कंप्लीट और कोई समस्या है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे ओके चलिए भाई साहब शन so और हाँ इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये एज वी ऑल नो की मैगनेट ब्र फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है हर उस बच्चे के लिए जिसको सच में उसकी जरूरत है सो so उसके लिए एक सिंपल सा काम करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है सेशन को सो so दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंच सके और उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके जो महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो जस्ट मेक दिस थिंग क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ओके सो दैट सॉल्व फॉर टूडेज क्लास थैंक यू वेरी मच